डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ मैंने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के चारों अप्रॉक्सीमेट मॉडल का थ्योरेटिकल पार्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको कैलकुलेट करा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और कन्वेंशनल क्वेश्चन भी होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एसएससी जेई के मेंस के कन्वेंशनल के क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं और इस क्वेश्चन में मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के हर एक पार्ट को कवर करूंगा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपसे कैलकुलेट कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्टिंग द कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑफ द मेन एग्जामिनेशन ऑफ द एसएससी जेई, ठीक है। एसएससी जेई में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से आपका जो कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा जाता है उस कन्वेंशनल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी डिस्कस द कन्वेंशनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई पे 2007 में पूछा गया था, जो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। नाउ दैट इज द क्वेश्चन विल बी देयर। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था, दिस इज द एसएससी जेई 2007 मेंस का क्वेश्चन है बेटा, और कितने नंबर का क्वेश्चन है? 15 मार्क्स का। दिस इज 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन दिया था ए थ्री फेज 100 किलोमीटर लॉन्ग लाइन, ठीक है। यहां पर आपसे देख रहा है कि 100 किलोमीटर लंबी एक लाइन है। यहां पर ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन होता तो यहां पर लिखता लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तब इस क्वेश्चन को हम लोग किससे डिस्कस करते हैं, दैट इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन होता, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जगह क्या दिया, लॉन्ग लाइन दिया है, मतलब आपको लाइन की लंबाई के बारे में केवल बात कर रहा है, ठीक है। और लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 किलोमीटर की है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी लाइन की जो लेंथ होती है, लाइन की जो लंबाई होती है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, तो ट्रांसमिशन लाइन किस कैटेगरी में आएगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आने वाली है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन के तीन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो पहला चीज जब आप जो है अपनी ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आपको कौन सा अप्रॉक्सीमेटेड मॉडल बनाना है, या फिर वो जो लाइन है वो किस लाइन से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो लाइन की लेंथ को देख के आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लाइन की लेंथ है वो आपकी 80 किलोमीटर से ज्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, तो दिस क्वेश्चन इज बिलोंग फ्रॉम द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो दिया है थ्री फेज 100 किलोमीटर लॉन्ग लाइन हैज ए पैरामीटर्स गिवन बिलो। एक 100 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसके पैरामीटर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस होते हैं, वो हमेशा कैसे डिफाइन होते हैं बेटा, पर फेज डिफाइन होते हैं। और आपके कैसे पैरामीटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, मतलब पर यूनिट लेंथ के लिए हमेशा क्या होंगे, डिफाइन होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो लाइन का रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस
ऑफ द लाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 0.5 ओम पर किलोमीटर पर फेज। एक किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दिया है और ये रेजिस्टेंस कैसा है, पर फेज है। साथ ही साथ आपको लाइन का इंडक्टेंस भी दिया हुआ है बेटा, द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। साथ ही साथ आपको लाइन का कैपेसिटेंस भी दिया एंड शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, दैट इज द 15 नैनोफेरेड। मैंने आपको बताया था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप कैपेसिटी इफेक्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, बट कैपेसिटी इफेक्ट काफ़ी कम होता है। किस में होता है, नैनोफेरेड में होता है। यहाँ से आप इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं, शंट कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन इक्वल टू 15 नैनोफेरेड पर किलोमीटर पर फेज। तो ये आपको इस ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर दिए हैं। आगे बोल रहा है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जब भी आपको लोड की पावर दी होगी, आप देखते हैं लोड हमेशा कहां पर लगा होता है, रिसीविंग इन में लगा होता है। तो रिसीविंग इन पावर इज नथिंग बट द लोड पावर। तो लोड पावर दी है मतलब हमेशा आपको रिसीविंग इन पावर दी है। और थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो जब भी आपको लोड की पावर देगा वो कितने फेज की पावर होगी, 3 फेज की पावर होने वाली है। आगे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द ट्रांसमिशन लाइन इज डिलीवरिंग ए लोड, if the transmission line is delivering a load of 8.5 megawatt एट, दिस इज नथिंग बट आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक लोड को पावर डिलीवर्ड करे, कितनी पावर डिलीवर्ड कर रही है, 8.5 megawatt। तो आप देखेंगे चूंकि लोड आपके रिसीविंग इन में लगा होता है तो दैट इज नथिंग बट द लोड हमेशा रिसीविंग इन पे लगा होता है। तो जो लोड की पावर होती है, लोड पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर। तो ये आपको रिसीविंग इन पावर दी है, चूंकि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए जो आपको लोड पावर कितने फेज की दी है, 3 फेज की। तो आप देखेंगे लोड पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर। तो दिस इज नथिंग बट द 3 फेज रिसीविंग इन पावर इज नथिंग बट गिवन बाई 8.5 megawatt एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.85। दिस इज लैगिंग। आपको ये लोड को जो पावर डिलीवर्ड हो रही है, आपको लोड को ये जो पावर डिलीवर्ड हो रही है कितने पावर फैक्टर में पावर डिलीवर्ड हो रही है, 0.85 लैगिंग। मतलब दिस इज नथिंग बट द आप जो है इस ट्रांसमिशन लाइन से 8.5 मेगावाट लोड को पावर डिलीवर्ड कर रहे हो। लोड पावर फैक्टर कितना दिया है बेटा, लोड का पावर फैक्टर दिया 0.85। लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर का फैक्टर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉस फाई आर। तो ये किसकी वैल्यू दी है बेटा, कॉस फाई आर दी है। और कैसा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब कैसा लोड लगा रखा है, लैगिंग लोड आपने लगा रखा है। और लोड को ये पावर जो आप डिलीवर्ड कर रहे हैं 8.5 मेगावाट, ये जो पावर डिलीवर्ड हो रही है और किस वोल्टेज पे आप पावर डिलीवर्ड कर रहे हैं, एट ए 110 किलो वोल्ट पे ये पावर क्या हो रही है, डिलीवर्ड हो रही है। तो आप देखेंगे आपका जो है लोड की पावर दी है, लोड पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर। चूंकि 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो ये कितने फेज की पावर होगी, 3 फेज रिसीविंग इन पावर। लोड का पावर फैक्टर कॉस फाई आर दिया है। और बेटा लोड का टर्मिनल, ये जो पावर आप डिलीवर्ड कर रहे हैं लोड को कितने वोल्टेज पे डिलीवर्ड कर रहे हैं, 110 kVA पे। तो दिस इज नथिंग बट द योर लोड वोल्टेज। और आप जानते हैं लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। तो ये आपको कौन सा
वोल्टेज दिया बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज। तो आप देखेंगे आपको लोड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज लोड पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर। ये आपको रिसीविंग इन पावर दी है, रिसीविंग इन पावर के साथ साथ आपको लोड का पावर फैक्टर, या फिर दैट इज नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर फैक्टर भी मालूम है। और लोड ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है कितने वोल्टेज पे डिलीवर कंज्यूम कर रहा है, 110 केवीए पे, मतलब लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। अब आप देखेंगे थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जब भी आपको वोल्टेज दिया होता है वो कौन सा वोल्टेज होता है बेटा, हमेशा थ्री फेज आपके सिस्टम में जब भी आपको वोल्टेज डिफाइन करेगा, और अगर वोल्टेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमेशा कौन सा वोल्टेज होता है बेटा, वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। तो दिस इज नथिंग बट द लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। तो ये आपको रिसीविंग इन वोल्टेज दिया है, और रिसीविंग इन वोल्टेज की कौन सी वैल्यू दी है बेटा, लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, क्योंकि कैसा सिस्टम है, कैसी ट्रांसमिशन लाइन है, थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है। तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जो भी वोल्टेज दिए होते हैं वो डाई बाय डिफॉल्ट कौन से वोल्टेज होते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्योंकि आप देखेंगे अगर फेज वोल्टेज वो देता तो आपको बताएगा, अगर उसने कुछ भी नहीं बताया थ्री फेज सिस्टम में, तो आप हमेशा कौन सा वोल्टेज मान के चलेंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज मान के चलने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, देन फाइंड पहला चीज जो आपको कैलकुलेट करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, सेंडिंग इन वोल्टेज। फर्स्ट यू कैन बी कैलकुलेट सेंडिंग इन वोल्टेज। पहला चीज जो आपको बेटा कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, सेंडिंग इन वोल्टेज कितना है, दैट इज Vs। दूसरा चीज जो बेटा आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, दैट इज सेंडिंग इन करंट, सेंडिंग इन करंट। सेंडिंग इन करंट को बेटा आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट द IS, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेंडिंग इन पावर फैक्टर भी पूछा गया था, सेंडिंग इन पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। सेंडिंग इन पावर फैक्टर को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस फाइव एस की बेटा वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद चौथा जो आपको चीज कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, दैट इज सेंडिंग इन पावर, सेंडिंग इन पावर आपको कैलकुलेट करनी है। फोर्थ थिंग दैट इज सेंडिंग इन पावर, सेंडिंग इन पावर को आप रिप्रेजेंट करते हैं पी एस से। पांचवा चीज आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, दैट इज ट्रांसमिशन इफिशियंसी। आप देखेंगे जनरली ट्रांसमिशन इफिशियंसी किसमें कैलकुलेट की जाती है, परसेंटेज में। तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी जनरली किसमें पूछी जाती है, परसेंटेज में। तो आपको पांचवा पॉइंट जो इसमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशियंसी, और उसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। छठवां चीज बेटा आपको इस क्वेश्चन में जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज रेगुलेशन। जनरली वोल्टेज रेगुलेशन भी किसमें कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो लास्ट थिंग विल बी नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं V डॉट R सफिक्स में, दैट इज N, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे छह चीजें पूछ रहा है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दी हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी हैं, और उनकी हेल्प से हम लोग ये सारे के सारे छह चीजें कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसको आप हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा कन्वेंशनल में, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तब सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला चीज़ हाईलाइट करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कितने फेज की दी है। तो आप देखेंगे थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन आपको यहाँ पर दी है, ठीक है। मैं दूसरे कलर से यहाँ पर आपको हाईलाइट चीज़ें कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको ट्रांसमिशन लाइन दी है वो कितने फेज की ट्रांसमिशन लाइन है बेटा, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है। दिस इज नथिंग बट द थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। लाइन की लेंथ कितनी है बेटा, 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन। एक थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ 100 किलोमीटर है।
अब लाइन के जो रेजिस्टेंस, चूंकि लाइन की लेंथ 100 किलोमीटर है जो कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपको दी है थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, वो किस कैटेगरी की ट्रांसमिशन लाइन है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? 0.5 ओम। पर यूनिट इंडक्टेंस आपको कितना दिया है? 2 मिली हेनरी। और पर यूनिट कैपेसिटेंस कितना दिया है? 15 नैनो फैराड दिया। ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एक लोड को पावर डिलीवर करे, तो दिस इज नथिंग बट द लोड पावर। लोड पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर। तो ये आपको कौन सी पावर दी है? रिसीविंग इन पावर। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जो भी आपको पावर दी होगी वो कितने फेज की होगी? थ्री फेज। तो आपको इस क्वेश्चन में थ्री फेज रिसीविंग इन पावर दी है, कितनी दी है? दैट इज नथिंग बट द 8.5 मेगावाट। और ये जो आपको ये जो लोड है इतनी पावर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ये ट्रांसमिशन लाइन एक लोड को इतनी पावर डिलीवर करी और लोड का जो पावर फैक्टर हो कितना है? दैट इज 0.5 लैगिंग। तो दिस इज नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर, ठीक है? लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर फैक्टर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाइव आर से। अब देखेंगे सारी सारी चीजें मैं आपको, जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तब ये सारी सारी चीजें पढ़ा रहा था। लोड इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है किस वोल्टेज पे बेटा? दैट इज कितने वोल्टेज पे ये पावर कंज्यूम कर रहा है? 110 केवीए पे। दिस इज नथिंग बट द लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। तो दिस इज नथिंग बट द लोड वोल्टेज, एंड लोड वोल्टेज ही आपका क्या होता है बेटा? रिसीविंग इन वोल्टेज। उसका मैग्नीट्यूड दिया, दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। और बेटा ये आपको रिसीविंग इन वोल्टेज दिया है, और रिसीविंग इन वोल्टेज का कौन सा वोल्टेज दिया बेटा? हमेशा थ्री फेज सिस्टम में जब भी जब वोल्टेज दिया होता है, अगर वोल्टेज के बारे में नहीं डिफाइन, तो ये कौन सा वोल्टेज होगा? रिसीविंग इन वोल्टेज का कौन सा वैल्यू होगा बेटा? लाइन टू लाइन वोल्टेज की वैल्यू आपको दी है। लाइन टू लाइन वोल्टेज की वैल्यू आपको दी है रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज। आपका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 110 केवीए दिया है, ठीक है? और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन करंट, सेंडिंग इन पावर फैक्टर दैट इज सेंडिंग इन पावर, ट्रांसमिशन इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपको दी है वो किस कैटेगरी की है। तो आपको लाइन की लेंथ देख के मालूम चल गया कि जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, इसलिए जो क्वेश्चन है वो किस ट्रांसमिशन लाइन से बिलोंग कर रहा है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है? तो सोल्यूशन बेटा यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करना चालू करते हैं, ठीक है? सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ में बहुत ही आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है? दैट इज सोल्यूशन, ठीक है? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन में पहला चीज़ तो लिखेंगे कि इस क्वेश्चन के में इन सारे की सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है। तो लाइन की लेंथ को देख के आप बता सकते हैं ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, 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 ठीक है? ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन दैट इज स्मॉल एल इज 100 किलोमीटर। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 100 किलोमीटर, विच इज जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर से ज्यादा है और 240 किलोमीटर से क्या है बेटा? कम है। द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जो कि 100 किलोमीटर है, जो कि 80 किलोमीटर से ज्यादा है और 240 किलोमीटर से कम है, सो दैट द गिवन ट्रांसमिशन लाइन जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, सो दैट द गिवन ट्रांसमिशन लाइन, सो दैट द गिवन ट्रांसमिशन लाइन इज ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कौन सी ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करूंगा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करने वाला हूं, ठीक है?
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसको मैं फिगर में आपका शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दी है, थ्री फेज एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, और उस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पर फेज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दिए हैं, और उस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एक लोड लगा है। लोड इज पावर इन नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर मालूम है, लोड पावर फैक्टर इन नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर फैक्टर मालूम है, और ये जो पावर डिलीवर्ड हो रही लोड को कितने वोल्टेज पर डिलीवर्ड हो रही, दैट इज इक्वल टू 110 kVA में। तो इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक फिगर बनाता हूँ जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस ट्रांसमिशन लाइन में इन छह चीजों को आपको हमेशा क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं, और मुझे सारी की सारी चीज याद है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है क्वेश्चन का तो इस स्क्रीनशॉट को वो ले सकता है, यहां पर मैं हट जाता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है फिगर की हेल्प से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को मिटा के आपके सोल्यूशन को प्रोसीड या फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको दिया है कि एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, और उस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के आपको कुछ पैरामीटर दिए हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आपको दिए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को इस फिगर में मैं शो करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको बार बार इस डाटा को जरूरत पड़े तो इस फिगर की हेल्प से हम उस डाटा को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज नथिंग बट ए सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, आई कैन बी टेक इट द सिंगल लाइन डायग्राम, दिस इज नथिंग बट द सिंगल लाइन, दिस इज नथिंग बट योर सेंडिंग इन टर्मिनल, दिस इज सेंडिंग इन, और ये आपका रिसीविंग इन टर्मिनल है, दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग इन, ठीक है। नाउ दिस इज सेंडिंग इन, सेंडिंग इन साइड, ठीक है, सेंडिंग इन साइड, सेंडिंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं Vs से, और सेंडिंग इन करेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आप Is से। आपको ये जो लाइन दी है जिसका मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, ये कौन सी लाइन है बेटा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। द गिवन लाइन इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज सेंडिंग इन, और ये बेटा कौन सा एंड है बेटा, दिस इज रिसीविंग इन, दिस इज नथिंग बट योर रिसीविंग इन विल बी देयर, तो ये आपका रिसीविंग इन साइड है, रिसीविंग एंड साइड, ठीक है। रिसीविंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं VR से, और रिसीविंग इन करंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा IR से। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पैरामीटर आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट रेजिस्टेंस आपको कितना दिया, 0.5 ओम पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट रेजिस्टेंस को मैं R से रिप्रेजेंट करूँ, टोटल रेजिस्टेंस को मैं RT से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट रिप्रेजेंट किया था उसमें R को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, R क्या रिप्रेजेंट करता, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है आपके इस ट्रांसमिशन लाइन के पर यूनिट रेजिस्टेंस को कैपिटल R से प्रिंट कर रहा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होगा इंपीडेंस और एडमिटेंस निकालने के लिए, उसको मैं RT और आपका LT और CT से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो दिस इज R, R किसको प्रिंट कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.5 ओम पर किलोमीटर पर फेज। ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस पर यूनिट इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कितना दिया बेटा, दैट इज 2 mH पर किलोमीटर पर फेज। साथ ही साथ आपको इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो है पर यूनिट कैपेसिटेंस, दैट इज C, कितना दिया है बेटा, 15 nF पर किलोमीटर पर फेज दिया। ये ट्रांसमिशन लाइन एक लोड को पावर डिलीवर कर रही है, लोड हमेशा कहां पर लगा होता है बेटा, रिसीविंग एंड पे लगा होता है, तो दिस इज नथिंग बट ए लोड, दिस इज ए लोड विल बी देयर, ठीक है, दिस इज द लोड, ठीक है।
अब ये जो है जो ट्रांसमिशन लाइन है एक लोड को पावर डिलीवर, तो आप देखेंगे आपका जो लोड का टर्मिनल वोल्टेज है, लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज, ठीक है। तो आप देखेंगे लोड जो भी आपका ये जो लोड है वो कितने वोल्टेज पे पावर को कंज्यूम कर रहा है, तो दैट इज लोड जो है 8.5 मेगावाट पावर कंज्यूम कर रहा है, कितने वोल्टेज पे, 110 kV पे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द लोड वोल्टेज, और जो लोड वोल्टेज होगा वही कौन सा वोल्टेज होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज होगा। तो यहां पर बेटा मैं सारी सारी चीजें लिख भी देता हूं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको जो आपका लोड वोल्टेज आपको दिया है, लोड वोल्टेज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज, और ये रिसीविंग इन वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है बेटा, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है। नाउ दैट इज लोड करेंट, दिस इज लोड करेंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करेंट, ठीक है। दैट इज लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज, और जो आपका रिसीविंग इन करंट होगा वही आपका पूरा का पूरा लोड से पास कर जाएगा, तो दैट इज लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। लोड का टर्मिनल वोल्टेज है VR और लोड का टर्मिनल करंट है IR, VR और IR के बीच के एंगल का कोसाइन अगर मैं ले लूंगा तो क्या होगा बेटा, दैट इज लोड पावर फैक्टर, और VR और IR के बीच का जो एंगल होता है दैट इज φR, और इसी एंगल का अगर कोसाइन लेंगे तो आ जाएगा लोड पावर फैक्टर। तो लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर फैक्टर, तो लिख देता हूं बेटा लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट द cos φR, और जिसकी वैल्यू आपको दी है 0.85 लैगिंग, और ये जो लोड है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, लोड पावर इन नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, क्योंकि आप देखेंगे लोड का टर्मिनल वोल्टेज, लोड का टर्मिनल करंट इज सेम एज ए रिसीविंग इन वोल्टेज एंड रिसीविंग इन करंट, रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट इन नथिंग बट द लोड वोल्टेज एंड लोड करंट विल बी देयर, तो जो लोड की पावर होगी वही रिसीविंग इन पावर होगी। तो आप देखेंगे लोड पावर दी है, लोड पावर इन नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, तो आप देखेंगे आपको लोड पावर दी और यही आपकी कौन सी पावर है, रिसीविंग इन पावर। तो इस क्वेश्चन में ये जो लोड है क्योंकि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये जो पावर दी होगी लोड पावर इज नथिंग बट रिसीविंग पावर, कितने फेज की, थ्री फेज की, कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है लोड, 8.5 मेगावाट पावर कंज्यूम कर रहा है, और कितने टर्मिनल वोल्टेज पे, लोड का टर्मिनल वोल्टेज दैट इज द रिसीविंग इन वोल्टेज आपको दिया है, ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है लोड दैट इज नथिंग बट लोड वोल्टेज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज, कितना दिया है बेटा, और ये बेटा रिसीविंग इन वोल्टेज का कौन सी वैल्यू दी है बेटा, लाइन टू लाइन वोल्टेज, कितना दिया है बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिया है, और रिसीविंग इन वोल्टेज का ये जो मैग्नीट्यूड दिया है वो कौन सा वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, कितना दिया है बेटा, 110 kV, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है, सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन करंट, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऊपर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। साथ ही साथ इस ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, इस ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो बेटा कितनी है बेटा, 100 kilometer, द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट द 100 kilometer। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक सिंगल डायग्राम में सारी की सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन में दी थी, सारी की सारी चीज़ें सिंगल लाइन डायग्राम में क्या कर रखी है बेटा, शो कर रखी हैं। इसलिए अब मुझे इस क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं सिंगल लाइन डायग्राम को देख के वो सारी की सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें जो है पहला चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और दूसरा चीज़ है सेंडिंग इन करंट को आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन करंट होता है या फिर सेंडिंग इन वोल्टेज होता है, VS इज इक्वल टू क्या होता है, AVR प्लस BIR, और सेंडिंग इन करंट क्या होता है, CVR प्लस DIR विल बी देयर। तो इन दो इक्वेशन का यूज करके आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है, मेरे पास जगह नहीं है तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर मिटा देता हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में चीज़ें डिटेल में दी थी उन सारी चीज़ों को मैंने फिगर में शो कर रखा है, ठीक है। तो नाउ
अब हम लोग अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक बेटा मैंने आपको ये बताया है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें। जब भी आपको क्वेश्चन में चीज़ें दी होंगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और अब आप पहला चीज़ देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है सेंडिंग इन वोल्टेज और दूसरा आपको सेंडिंग इन करंट। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है और सेंडिंग इन करंट होता है वो एक इक्वेशन द्वारा गवर्न होते हैं। उन इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकालना चाहते हैं तो आप इन इक्वेशंस को हमेशा क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा, वी एस इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू ए वी आर, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा आप लिखेंगे जो सेंडिंग इन करंट होता है दैट इज आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर आपको हमेशा मालूम होता है। अच्छा, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपका जो रिसीव, क्योंकि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपको लाइन वोल्टेज भी मालूम होता है और लाइन करंट भी मालूम होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो आपका लाइन वोल्टेज के टर्म में भी डिफाइन होगा और आपका फेज वोल्टेज के टर्म में डिफाइन होगा। साथ ही साथ आपका जो रिसीविंग इन करंट है वो भी दो टर्म में डिफाइन होगा। रिसीविंग इन करंट आपका लाइन करंट के फॉर्म में भी डिफाइन होगा और फेज करंट के फॉर्म में डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम लोग रिसीविंग इन करंट की जो वैल्यू है वो लाइन करंट के टर्म में रखेंगे कि फेज करंट के टर्म में रखेंगे, और रिसीविंग इन वोल्टेज को आप जो है लाइन वोल्टेज के टर्म में रखेंगे कि फेज वोल्टेज के टर्म में रखने वाले हैं। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस और एडमिटेंस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस और एडमिटेंस होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। चूंकि आपकी ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस आपके पर फेज डिफाइन होते हैं, तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस और एडमिटेंस भी पर फेज डिफाइन होते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, पर फेज। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो एबीसीडी पैरामीटर है वो हमेशा कैसे डिफाइन होते हैं बेटा, पर फेज। कैसे डिफाइन होते हैं, ये आपके पर फेज डिफाइन होते हैं, दिस इज द पर फेज डिफाइन होते हैं। दिस इज आपके जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के, एबीसीडी पैरामीटर हमेशा पर फेज डिफाइन होते हैं। तो जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं, क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर पर फेज डिफाइन होते हैं, तो इस इक्वेशन में जब आप रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करेंट की वैल्यू रखते हैं तो रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करेंट को हमेशा, रिसीविंग इन वोल्टेज को किसके टर्म में लिखते हैं, पर फेज वोल्टेज के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसीविंग इन करंट को भी पर फेज करंट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमेशा जब रिसीविंग इन वोल्टेज रखा जाएगा तो वो हमेशा किसके टर्म में रखा जाएगा, फेज वोल्टेज के टर्म में रखा जाएगा। उसी तरह जब रिसीविंग इन करंट को जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो यहाँ पर मैं रिसीविंग इन करंट को किसके टर्म में रखूंगा, फेज करंट के टर्म में रखने वाला हूं। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो एबीसीडी पैरामीटर पर फेज डिफाइन है, तो इस इक्वेशन में रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट को हमेशा आप फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में हमेशा लिखते हैं। रिसीविंग इन वोल्टेज की यहां पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो किसके टर्म में रखूंगा, फेज वोल्टेज, और रिसीविंग करंट की जब मैं वैल्यू यहां पर रखूंगा तो किसके टर्म में रखूंगा, फेज करंट के टर्म में रखूंगा। और जब मैं इस इक्वेशन से रिसीविंग इन वोल्टेज को, दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करूंगा तो सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू भी किसके टर्म में आएगी, फेज वोल्टेज के टर्म में आएगी। और जब मैं इस इक्वेशन से सेंडिंग इन करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो सेंडिंग इन करंट की वैल्यू भी किसके टर्म में आएगी बेटा,
फेज करंट के टर्म में आने वाली है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है, जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकालने के लिए, तब आपको रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू हमेशा किसके टर्म में रखनी है, फेज वोल्टेज के टर्म में रखनी है। चूंकि आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में रिसीविंग इन वोल्टेज का लाइन वोल्टेज मालूम है, अगर लाइन वोल्टेज मालूम है तो आप फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं, और रिसीविंग इन करंट की वैल्यू भी किसके टर्म में रखेंगे, फेज करंट के टर्म में देखेंगे। आप देखेंगे रिसीविंग इन पावर मालूम है, रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग इन पावर फैक्टर मालूम है। तो आप देखेंगे अगर मुझे रिसीविंग इन एक्टिव पावर निकालनी है, थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम में रिसीविंग इन एक्टिव पावर कहते हैं रूट थ्री, दैट इज रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग इन पावर फैक्टर। आपको रिसीविंग इन पावर मालूम है, रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग इन पावर फैक्टर मालूम है, तो वहां से आप रिसीविंग इन करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन दो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मालूम है। अब केवल और केवल आपको क्या करना है, एबीसीडी पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने इस इक्वेशन में रखने, और यहां से आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, आपको क्वेश्चन में केवल ये दिया है कि एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए आप चार अप्रोक्सीमेटेड मॉडल बना सकते हैं। पहला मॉडल हो सकता है दैट इज नॉमिनल टी मॉडल, दूसरा होता है नॉमिनल पाई मॉडल, तीसरा होता है दैट इज इंड कंडेंसर मॉडल, और आपका चौथा होगा सोर्स कंडेंसर मॉडल। लेकिन आप देखेंगे इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लेकिन किस मॉडल को बना के आपको एनालिसिस करना है ये नहीं बताया। तो मतलब आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल के बारे में नहीं बताया। तो आप देखेंगे जब भी आपको जो है, आपको मालूम है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा होता है, नॉमिनल पाई मॉडल। तो आप देखेंगे जो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर आपको मालूम होते हैं, नॉमिनल टी के लिए एबीसीडी पैरामीटर अलग होते हैं, नॉमिनल पाई के लिए अलग होते हैं, नॉमिनल दैट इज नॉमिनल टी के लिए अलग होगा, नॉमिनल पाई के लिए अलग होगा, सोर्स कंडेंसर के लिए एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू अलग होगी, और आपका दैट इज सोर्स कंडेंसर के लिए एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू अलग होगी। तो चारों के चारों जो मॉडल है, नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई, दैट इज लोड कंडेंसर मॉडल और सोर्स कंडेंसर मॉडल, उन सारे मॉडल के लिए एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू मालूम है। हर एक मॉडल के लिए एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल आपको यूज करना है। तो आप हमेशा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल ही कंसीडर करेंगे। जब अपनी तरफ से मॉडल के बारे में नहीं बताया तो मुझे कोई ना कोई मॉडल आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और मॉडल को कंसीडर करने के बाद ही आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने एबीसीडी पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपका सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट आएगा। तो आप देखेंगे मॉडल के बारे में नहीं बताया तो मैं सबसे बेस्ट मॉडल कंसीडर करूंगा इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के, और सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा होता है, नॉमिनल पाई मॉडल। और नॉमिनल पाई मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर आपको मालूम है, उनकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट आपको मालूम है, उनकी वैल्यू भी पुट करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन में जब मैं रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट को रखूंगा तो किस फॉर्म में रखूंगा बेटा, फेजर फॉर्म में रखने वाला हूं। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल भी। फेज को किस रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फेजर फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट फेजर फॉर्म में क्या हो पाएगा, कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दी है, उस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मुझे सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट आपको कैलकुलेट करने, चूंकि मुझे मॉडल नहीं बताया इसलिए मैं अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में कंसीडर कर रहा हूं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल कंसीडर करूंगा एनालिसिस करने के, दैट इज नॉमिनल पाई। तो लेट अस कंसीडर द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मतलब इस क्वेश्चन में मॉडल के बारे में नहीं बताया तो मैं अपनी तरफ से कौन सा मॉडल कंसीडर करूं, बेस्ट मॉडल जो कि कौन सा होगा, नॉमिनल पाई। लेट अस कंसीडर द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन
ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मैंने अपनी तरफ से आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल कंसीडर कर लिया बेटा, नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई मॉडल के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल के लिए आपको ए बी सी डी पैरामीटर मालूम होते हैं। ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर होता है, और जो कि कितना होता है बेटा, 1+YZ/2। बी पैरामीटर कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू जेड के बराबर। और सी पैरामीटर कितना होता है, वाई ब्रैकेट में 1+YZ/4। और इस इक्वेशन में आपके वाई और जेड किसको रिप्रेजेंट करा है, टोटल इम्पीडेंस एंड टोटल एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इस इक्वेशन में आपके जो है, जो वाई और जेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इम्पीडेंस और टोटल एडमिटेंस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर जेड एंड वाई, जेड एंड वाई आर द टोटल इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस, टोटल इम्पीडेंस एंड टोटल एडमिटेंस, टोटल इम्पीडेंस एंड टोटल एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ वाई और जेड आपके ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इम्पीडेंस और टोटल एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करे। साथ ही साथ अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूं, तो जेड किसको रिप्रेजेंट करे, टोटल इम्पीडेंस, वेयर एंड जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, आर टी प्लस जे ओमेगा एल टी। ठीक है, जो आपका जेड रिप्रेजेंट करा है टोटल इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज इक्वल टू आर टी प्लस जे ओमेगा एल टी। आर टी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और एल टी क्या है, टोटल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। पर यूनिट लेंथ का आपको रेजिस्टेंस मालूम है, तो आप पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। पर यूनिट इंडक्टेंस मालूम है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंडक्टेंस आपको मालूम चल जाएगा। और आपका जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल शंट एडमिटेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, j ओमेगा ct। यहाँ की ct किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस मालूम है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं, वेयर आर टी कॉमा एल टी एंड सी टी आर द टोटल रजिस्टेंस कॉमा टोटल इंडक्टेंस एंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आर टी एल टी और सी टी ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस और टोटल कैपेसिटेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखेंगे एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको लाइन का टोटल इम्पीडेंस और टोटल एडमिटेंस चाहिए, टोटल इम्पीडेंस और एडमिटेंस निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आपको चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए लाइन की लेंथ मालूम है, एक किलोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी की पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। उसी तरह एक किलोमीटर लेंथ का इंडक्टेंस मालूम है, तो 100 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस। आपको एक किलोमीटर लेंथ का इंडक्टेंस मालूम है, तो आप 100 किलोमीटर लेंथ का इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। केवल आपको पर यूनिट इंडक्टेंस में लाइन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा। टोटल इंडक्टेंस रेजिस्टेंस को रख देंगे तो टोटल इंपीडेंस आ जाएगा। टोटल इंपीडेंस को यहां पर रख देंगे तो आपके एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएंगे, और एबीसीडी पैरामीटर को यहां पर रख देंगे तो आपका सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आप टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस एंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन यहां पर क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो इसको बेटा मैं जो है आपका मिटा देता हूं, ठीक है। जो जो चीजें होती जा रही बेटा उनको मैं मिटाता जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पेस मेरे पास कम है तो स्पेस नहीं है, इसलिए जहां जहां चीजों की जरूरत नहीं उनको मैं यहां पर मिटाता चलता हूं, ठीक है। लेकिन आप सारी चीजें लिखते चलेंगे, ठीक है, प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, तभी आपको सारी सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। चलिए तो इसको यहां पर हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती जाएगी मैं सारी चीजें लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो चलो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस और टोटल कैपेसिटेंस आप यहां पर लिखने वाले हैं, ठीक है। पर यूनिट रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो एक किलोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम है तो 100 किलोमीटर का रेजिस्टेंस आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक किलोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम, 100 किलोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए आप क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। पर यूनिट आपको जो रेजिस्टेंस मालूम है उसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी टेक इट दैट इज टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, पर यूनिट रेजिस्टेंस आपको एक यूनिट, एक किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.5 ओम पर किलोमीटर पर फेज। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लाइन की लेंथ से, लाइन का लेंथ कितना दिया बेटा, 100 किलोमीटर, दिस इज 100 किलोमीटर। जैसे ही लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल ट्रांसमिशन लाइन का क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज द 50 ओम पर फेज। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन के जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं वो हमेशा कैसे डिफाइन होते हैं, पर फेज। तो पर फेज आपकी ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। अगर मैं टोटल इंडक्टेंस की बात करूं तो एक किलोमीटर लेंथ का इंडक्टेंस आपको मालूम है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 2 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज। कितना है लाइन का लेंथ, 100 किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 200 मिली हेनरी पर फेज। और अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस की बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, एक किलोमीटर लेंथ का कैपेसिटेंस मालूम है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, 15 नैनो फैरड पर किलोमीटर पर फेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा 1500 नैनो फैरड पर फेज। अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस, टोटल कैपेसिटेंस मालूम, इन वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस और टोटल एडमिटेंस क्या हो जाएंगे बेटा, कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस को कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, दैट इज टोटल इंपीडेंस दैट इज जेड, कितना है बेटा, टोटल इंपीडेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस प्लस जे ओमेगा एलटी। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πf, क्योंकि आपको ट्रांसमिशन लाइन में जो आप सिग्नल आप सप्लाई कर रहे हैं कितने हर्ट्ज का है, 50 हर्ट्ज का, तो दिस इज रिटन एज आरटी प्लस जे, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf इंटू एलटी। नाउ ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस है 50 ओम पर फेज, दिस इज 50 प्लस जे, दैट इज 2π की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, टोटल इंडक्टेंस को हेनरी में रखूंगा, कितना है टोटल इंडक्टेंस, 200 मेगा, दैट इज मिली हेनरी पर फेज, तो दिस इज 200 मिली मतलब 10^-3। और ये सारी चीजें किस में आएंगी, पर फेज में आएंगी, ठीक है। तो नाउ यहां से मैं ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं, दिस इज टोटल इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू आएगा 50 प्लस, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेगा 314, तो दिस इज जे, दिस इज 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, तो दिस इज 314 मल्टीप्लाइड बाई 200 इंटू 10^-3।
10 टू द पावर माइनस 3 मतलब तीन अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 50 प्लस जे 340 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 50 प्लस जे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए, 62.8। और बेटा ये आएगा टोटल इम्पीडेंस ओम में, और कैसे डिफाइन होगा, पर फेज में, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपको पर फेज डिफाइन है, तो इम्पीडेंस भी पर फेज आएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने में आप देखेंगे यहाँ पर मुझे ABCD पैरामीटर निकालने, ABCD पैरामीटर को मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट कौन सा होता है बेटा, पोलर फॉर्मेट। तो मैं अपने टोटल इम्पीडेंस को किस में लिखूंगा, पोलर फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इम्पीडेंस को कैलकुलेट करूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 80.27, और फेज एंगल आपका आएगा दैट इज 51.47। और बेटा ये कैसे डिफाइन होता है, पर फेज डिफाइन होता है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया था, वहां से मैंने ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इम्पीडेंस को क्या कर दिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया है। नाउ दिस इज द आई कैन बी टोटल इम्पीडेंस। इसी तरह मैं ट्रांसमिशन लाइन के टोटल एडमिटेंस को भी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, टोटल एडमिटेंस को यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, और ये कैसे डिफाइन है बेटा, जो इम्पीडेंस है वो पर फेज डिफाइन हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरे पास जगह खत्म हो गई है बेटा, तो जगह खत्म हो गई है, तो बेटा मैं इम्पीडेंस को, एडमिटेंस को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल एडमिटेंस है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू जे ओमेगा सी टी। ठीक है, नाउ मुझे ट्रांसमिशन लाइन का टोटल एडमिटेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसमिशन लाइन का टोटल एडमिटेंस दैट इज वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जे ओमेगा सी टी। ना ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, मैं यहां पर आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टोटल एडमिटेंस को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा सी टी। ना ओमेगा को लिख सकता हूं बेटा दैट इज 2πf इंटू सी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू जे, 2π की वैल्यू होगी 3.14, एफ की वैल्यू हो जाएगी 50, और नाउ यहाँ पर आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 1500 नैनो फेरेड, इसको फेरेड में रखूंगा, दैट इज 1500 नैनो का मतलब 10 to the power minus 9। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज टोटल एडमिटेंस यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 100 मल्टीप्लाई 3.14, तो दिस इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1500 इंटू 10 to the power minus 9। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1500 को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 471000 इंटू 10 to the power minus 9। तो 9 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू जे 0.0004710। ठीक है, चूंकि यहां पर मुझे प्रोडक्ट करना है, तो मैं यहां पर एडमिटेंस को किसके फॉर्म में लिखूंगा बेटा, मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिखने वाला हूं। तो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, जब मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में लिखूंगा तो दिस इज 0.00047। आगे की वैल्यू को मैं छोड़ देता हूं, और एंगल कितना आएगा जे की वजह से, दिस इज 90 डिग्री। यूनिट क्या होगी बेटा, एडमिटेंस की यूनिट होगी सीमेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस पर फेज था, तो आपको एडमिटेंस भी पर फेज आएगा सीमेंस, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज आल्सो रिटन एज ए, दिस इज मो। एडमिटेंस की यूनिट या तो सीमेंस होती है, या फिर आप उसको मो लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द टोटल एडमिटेंस ऑफ द योर ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इम्पीडेंस और टोटल एडमिटेंस यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया है। इस इम्पीडेंस और एडमिटेंस को यहाँ पर रखेंगे तो आपके ABCD पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएंगे। ABCD पैरामीटर को आप उन इक्वेशन में रखेंगे तो आपके सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट क्या हो जाएंगे बेटा, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नाउ दिस इज नथिंग बट
यहाँ पर आपने दो चीज़ें सबसे पहले कैलकुलेट की कि आपके ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मालूम था, वहाँ से मैंने अपने ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इम्पीडेंस और टोटल एडमिटेंस को क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के ए बी सी डी पैरामीटर कैलकुलेट कराने की कोशिश करता हूँ। चूंकि नॉमिनल पाई मॉडल है, ए पैरामीटर और डी पैरामीटर हमेशा क्या होंगे बेटा, सेम ही होंगे। और कितने होंगे, 1 + YZ / 2। आपने देखा था कि नॉमिनल पाई मॉडल में जब मैंने ए पैरामीटर और डी पैरामीटर के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, जब मैंने इनकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है ए पैरामीटर और डी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और वन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल है, जब मैं ए पैरामीटर को कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, चूंकि मुझे अपनी ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस और एडमिटेंस हमेशा मालूम है। यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा और ए पैरामीटर निकालूंगा, ये किससे कम आएगा, वन से कम आएगा। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चीज़ें कैलकुलेट करा दी है आपको। यहाँ पर इम्पीडेंस और एडमिटेंस आपको मालूम है, ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल इम्पीडेंस है यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना है बेटा, दैट इज 80.27। फेज एंगल कितना है बेटा, 51.47 इतने ओम पर फेज। और बेटा ट्रांसमिशन लाइन का टोटल एडमिटेंस आपने कितना कैलकुलेट किया है, टोटल एडमिटेंस आपने कैलकुलेट किया है 0.00047 एंगल एज 90 डिग्री, दिस इज मो पर फेज। ठीक है, तो इन सबको जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके मैं लिख देता हूँ, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर मैं मिटार देता हूँ क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए ए और डी पैरामीटर तो एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएंगे बेटा। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, ए एंड डी पैरामीटर आपके एक ही बार में क्या होने वाले हैं बेटा, कैलकुलेट होने वाले हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने सारी की सारी जो चीज़ें मुझे मालूम थी उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें कैलकुलेट करा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे आपके ए और डी पैरामीटर नॉमिनल पाई मॉडल में कितने होते हैं बेटा, ए और डी पैरामीटर बराबर होते हैं, कितने होते हैं, 1 + YZ / 2। और आपको मालूम है नॉमिनल पाई मॉडल है, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड 1 से कम आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते 1 से कम ही आना चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 + Y। वाई क्या है, टोटल एडमिटेंस जो कि कितना है बेटा, 0.00047। फेज एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, नाउ इम्पीडेंस कितना बेटा, दैट इज 80.27 एंगल इज 51.47 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है, दैट इज पोलर फॉर्मेट। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, दिस इज 1 + इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00047 मल्टीप्लाइड बाई 80.27, दिस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0.037। फेज एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, तो 90 में जब हम ऐड करेंगे दैट इज 51.47, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 141.47 डिवाइडेड बाई, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 + जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.0185। फेज एंगल इज 141.47 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपका कौन सा फॉर्मेट सबसे बेटर होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो दिस इज आर एंगल थीटा, जब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो आएगा आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा विल बी देयर, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 + आर कॉस थीटा
प्लस जे, दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर, जांगे जगह नहीं तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन थीटा 141.47, ठीक है। रियल रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नाउ दिस इज, यहां पर कॉस के अंदर एंगल बेटा 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेट, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी और साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0144 प्लस छ, और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करने पे आएगी दिस इज 0.0115। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्रंट में आएगा, बाकी लगभग वैल्यू सेम आएंगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज 0.9856 एंड दैट इज इमेजिनरी पार्ट आएगा 0.0115, ठीक है। अब आप देखेंगे जो ए पैरामीटर डी पैरामीटर यहां पर रखना है, मल्टीप्लाई होना है, तो यहां पर मैं ए पैरामीटर डी पैरामीटर को मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है दैट इज पोलर फॉर्मेट, तो इसको मैं पोलर फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लेता हूं। तो दैट इज आपके ए और डी पैरामीटर का जो मैग्नीट्यूड आएगा 0.985 और फेज एंगल आपका आएगा लगभग दिस इज 0.687, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द ए पैरामीटर और डी पैरामीटर, दोनों की वैल्यू इक्वल है, मैग्नीट्यूड कितना है 0.985 और फेज एंगल है 0.687 विल बी देयर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ए पैरामीटर है उसका मैग्नीट्यूड आपका 1 से क्या है, कम है, कितना है 0.985। और मैंने आपको बताया भी था कि नॉमिनल पाई मॉडल और नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है 1 से कम होता है, लगभग किस रेंज के आसपास आता है 0.98, और आप देखिए वेरीफाइड भी कर सकते हैं इसके आसपास ही आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आता, आपको जैसे जैसे इंपीडेंस और एडमिटेंस दिए होंगे उसकी वैल्यू उसके आसपास आएगी और आसपास ही आ रहा है 0.98 विल बी देयर। तो दिस इज नथिंग बट ए पैरामीटर और डी पैरामीटर आपने अपने इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। ए पैरामीटर और डी पैरामीटर मालूम है, बी और सी पैरामीटर भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बी पैरामीटर किसके बराबर है, इंपीडेंस के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए पैरामीटर और डी पैरामीटर को जब आपने कैलकुलेट किया तो ए और डी पैरामीटर कितना आ रहा है बेटा 0.985, फेज एंगल कितना आ रहा है बेटा 0.687 डिग्री के आसपास आ रहा है। दिस इज द ए और डी पैरामीटर कैलकुलेट हुआ। बी पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंपीडेंस के बराबर, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है बेटा 80.27, फेज एंगल कितना है बेटा 51.47 डिग्री। नाउ अब आपको केवल एक ही पैरामीटर बचा है, सी पैरामीटर, जो कि कितना है वाई ब्रैकेट में 1 + YZ/4, इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नाउ मैं आपके इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लास्ट पैरामीटर दैट इज नथिंग बट द सी पैरामीटर को भी कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। नाउ यू कैन बी कैलकुलेट द सी पैरामीटर ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। आपको ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एडमिटेंस सारी की सारी चीजें मालूम है, आप अपने सी पैरामीटर को भी बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सी पैरामीटर भी यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है और उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन से आप अपने सी पैरामीटर को भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर कैलकुलेशन ऑफ सी पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर है। सी पैरामीटर कितना होगा बेटा नॉमिनल पाई मॉडल का, दैट इज वाई ब्रैकेट में 1 + YZ/4। ट्रांसमिशन लाइन का टोटल आपको एडमिटेंस मालूम है कितना है बेटा 0.00047 एंगल एज 90 डिग्री। नाउ 1 + टोटल एडमिटेंस है 0.00047 एंगल एज 90 डिग्री और इम्पीडेंस कितना है बेटा दैट इज 80.27 फेज एंगल एज 51.47 डिग्री, ठीक है। Divided by what? Divided by 4. Now this is C की वैल्यू होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे। दिस इज 0.00047, फेज एंगल कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री।
दिस इज 1+ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.037 फेज एंगल कितना आ जाएगा बेटा 141.47 डिवाइडेड बाई व्हाट इस बार पहले बेटा 2 था इस बार आपका 4 है ठीक है नाउ जब 4 से इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.00047 फेज एंगल इज 90 डिग्री दिस इज 1+ दिस इज 0.0185 फेज एंगल इज 141.47 नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.00047 एंगल इज 90 डिग्री नाउ इन दोनों को ऐड करना है तो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट होगा इसको क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस दिस इज जे आर साइन थीटा 141.47 डिग्री ठीक है नाउ दिस इज सी सेकेंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव आएगा साइन में सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा दिस इज 0.00047 एंगल इज 90 डिग्री नाउ दिस इज 1-, ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली और ये वैल्यू जब आएगी कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू सॉरी फॉर दैट यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया यहाँ पर मुझे 4 से डिवाइड करना था तो ये वैल्यू आपकी कुछ अलग आएगी ठीक है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई है उस गलती को यहाँ पर हम लोग सही कर लेते हैं पहले ठीक है नाउ दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू मैंने पिछला वाला ही कैलकुलेशन लिख दिया सॉरी फॉर दैट ठीक है तो आप देखेंगे जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट सी इज इक्वल टू 0.00047 एंगल इज 90 डिग्री दिस इज 1+ 4 से बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.00925 ठीक है जब 4 से डिवाइड करूंगा तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.00925 यहाँ पर बेटा गलती कर दी थी फेज एंगल वही रहेगा 141.47 डिग्री ठीक है थोड़ा सा गलती हो गया था सही कर लीजिएगा ठीक है नहीं तो कैलकुलेशन में अभी काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ठीक है ऐड करना है तो मैं इसको पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा जैसे 0.00047 एंगल क्या होगा 90 डिग्री ठीक है दिस इज 1+ पोलर से रेक्टेंगुलर में करेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा नाउ दिस इज आर कॉस थीटा 141.47 प्लस दिस इज जे आर साइन थीटा दैट इज 141.70 ठीक है नाउ दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे तो आप देखेंगे कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दिस इज नथिंग बट 0.00047 एंगल इज 90 डिग्री नाउ दिस ये वैल्यू निगेटिव आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -0.007 के आसपास आएगी प्लस ये वैल्यू आपकी इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव आएगा जे 0.0057 दिस वैल्यू यू कैन बी गॉट इट ठीक है नाउ दिस इज सी इज इक्वल टू 0.00047 फेज एंगल हो जाएगा 90 डिग्री नाउ दिस इज जब आप जो है 1 में से इस वैल्यू को घटाएंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.993 प्लस जे 0.0057 अब आप देखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन मेरा आसान हो जाएगा नाउ दिस इज इक्वल टू 0.00047 एंगल इज 90 डिग्री और बेटा जब मैं इसको रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 0.993 और फेज एंगल आएगा आपका दैट इज 0.328 मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाइंग ये नंबर 1 से कम है तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आपका थोड़ा सा और कम हो जाएगा फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे तो जब मैं सी पैरामीटर को बेटा कैलकुलेट करूंगा यहां पर सी पैरामीटर को कैलकुलेट करूंगा
तो सी पैरामीटर आपका आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.00046। 1 से कम नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.00046, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे तो दिस इज 90.328। तो दिस इज नथिंग बट योर सी पैरामीटर ऑफ द गिवन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो सी पैरामीटर को जब निकाला तो सी पैरामीटर आ रहा है 0.00046, फेज एंगल है आपका 90.328 डिग्री। तो नाउ आप देखेंगे आपको आपके जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसके ABCD पैरामीटर आपको मालूम चल गए। ABCD पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, उन वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, रिसीविंग इन वोल्टेज रिसीविंग करंट को निकालने के बाद तो आपका सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। एक चीज़ आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन में, ये चीज़ मैं आपको वेरीफाइड कराऊंगा, जब भी मैं आपको जो है परफॉर्मेंस पैरामीटर या फिर ये पैरामीटर कैलकुलेट करा रहा था तो मैंने बताया था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस होता है वो 50 से 80 ओम के आसपास होता है। आप देखेंगे लगभग इस क्वेश्चन में जब मैंने अपने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस को कैलकुलेट किया तो 80 ओम के आसपास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, नैनो फेरेड में होता है। तो आप देखिए नैनो फेरेड में आपको दिया है, और जब आप जो है अपनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के शंट एडमिटेंस को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू काफी कम आती है, 0.0005 के आसपास ही थी। और आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में जब कैलकुलेट कर 0.00047, 7 को हटा देंगे तो लगभग 0.0005 मोह पर फेज आने वाला है। दो चीज यहां से वेरीफाइड हो गई। दूसरा, मैंने बताया था कि नॉमिनल पाई मॉडल में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड आपका 1 से कम होता है, लगभग 0.98 के आसपास की रेंज के आसपास होता है, उसको भी आपने वेरीफाइड किया। और ए पैरामीटर का जो फेज एंगल होता है वो काफ़ी कम होता है, आप देखेंगे 0.687 के 0.687 आ रहा है, जो कि काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। चूंकि आपको मीडियम ट्रांसमिशन में ये सारी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये सारी सारी चीज़ यहाँ पर दिखनी चाहिए बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे, अगर अप्रॉक्सीमेट करना चाहें आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, आप देखेंगे Y(Z/4) ये वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम आ रही है। जब आप देखेंगे 1 के रिस्पेक्ट में जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर विल बी देयर। तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे जब मैं 1+YZ/4 को निकालूंगा तो ये नंबर आपका कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0.993, फेज एंगल भी लगभग 0 के आसपास आ रहा है, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1∠0° से। 1∠0° मतलब कि आपका ये वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। 1 के कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर सकते हैं तो केवल कितना आएगा, सी पैरामीटर वाई के बराबर। और आप देखेंगे अगर सी पैरामीटर को वाई के बराबर लिख दूं तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0.0047। आपका वाई पैरामीटर कितना है, 0.00047, यहाँ पर कितना 46, तो ये लगभग बराबर है, फेज एंगल ये 90.32 है, इसको लगभग 90 लिख सकते हैं, तो बोथ विल बी सेम। तो कई बार अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि कहीं भी आपको आपको मीडियम ट्रांसमिशन 1+YZ/4 को अगर अप्रॉक्सीमेट करना हो तो 1+YZ/4 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आपकी क्या होगी, काफ़ी कम होने वाली है, ठीक है। तो हमेशा आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन में 1 के रिस्पेक्ट में YZ/4 वेरी वेरी स्मॉल है, इसको आप कभी भी निगलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया कि लगभग इतना आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हैं, Y के बराबर, क्योंकि आपका ये जो नंबर है Y(Z/4) दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर एज कम्पेयर टू 1 विल बी देयर, ठीक है। तो आप देखेंगे ABCD पैरामीटर मेरे कैलकुलेट हो गए। अगर मैं सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकालना चाहता हूं तो मुझे रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट निकालना है, लेकिन रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है, फेज वोल्टेज के टर्म में। आपको रिसीविंग इन वोल्टेज का कौन सी वैल्यू मालूम है, लाइन वोल्टेज मालूम है, फेज वोल्टेज निकालना है। आप देखेंगे हमेशा आप कौन सा कनेक्शन मान के चलेंगे, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 times ऑफ फेज वोल्टेज। तो अगर आपको लाइन वोल्टेज का रिसीविंग इन का लाइन वोल्टेज मालूम है तो मैं रिसीविंग इन का फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट
कर सकता हूं। लेकिन इस इक्वेशन में जब आप रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट रखेंगे तो हमें इसे किस फॉर्म में रखना है, फेजर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, फेज एंगल भी रखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं अपने रिसीविंग इन वोल्टेज का फेज वोल्टेज कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, ये सारी की सारी चीजें आपने यहां पर लिख ली हैं। अब मैं इसको आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करने के लिए आपको इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक है। अब मुझे यहां पर रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए नाउ रिसीविंग इन का आपको लाइन वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज आपको दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, मैं यहां पर लिख लेता हूं रिसीविंग इन लाइन, जो भी चीजें दी है उनको मैं लिखता जा रहा हूं। रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज आपको दिया है 110 kV, ठीक है। मैग्नीट्यूड दिया है, आप देखेंगे जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो पर फेज एनालिसिस करते हैं, जो भी फेजर डायग्राम बनाते हैं उसमें आप जो है जो फेजर डायग्राम बनाते हैं पर फेज बनाते हैं, लाइन वोल्टेज के टर्म नहीं बताते, फेज वोल्टेज या फिर फेज करंट के फॉर्म में वहां पर बनाते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, ये चीज मैंने यहां पर लिख ली तो इसको भी मैं यहां पर मिटा देता हूं। अब आप देखेंगे चूंकि आपको सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन करंट निकालना है तो इस इक्वेशन में मुझे रिसीविंग इन वोल्टेज को फेज वोल्टेज के टर्म में लिखना है, तो मुझे रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज मालूम है, आप अपने फेज वोल्टेज को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि कुछ भी नहीं दिया तो आप हमेशा कौन सा कनेक्शन मान के चलेंगे, स्टार कनेक्शन को हमेशा आप कंसिडर करके चलने वाले। तो स्टार कनेक्शन में बेटा क्या होता है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 times ऑफ फेज वोल्टेज। आपके मैग्नीट्यूड में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, आपको रिसीविंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दैट इज रिसीविंग इन फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि दैट इज लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 times ऑफ फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू आपको रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज कितना दिया है, 110 kV डिवाइडेड बाई √3। यहां से जब निकालेंगे तो रिसीविंग इन फेज वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है आ जाएगा 63.51 kV। दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में फेजर फॉर्म में लिखना है तो रिसीविंग इन वोल्टेज का, रिसीविंग इन वोल्टेज को फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को निकाल लिया। हमेशा आप क्या करते हैं, जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो रिसीविंग इन वोल्टेज को हमेशा क्या मानते हैं, रेफरेंस फेजर। मतलब इसका जब मैं फेज एंगल लिखूंगा तो रेफरेंस फेजर का फेज एंगल क्या होता है, 0 degree। तो अगर मैं रिसीविंग इन वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिखूंगा, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को जब मैं फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो रिसीविंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, 63.51, और इसको हम इसे रेफरेंस फेजर मानेंगे तो फेज एंगल कितना आएगा, 0 degree, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितने किलो वोल्ट में, तो दिस इज kV, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज के फेज वोल्टेज को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, फेजर फॉर्म में। मतलब मैग्नीट्यूड ये है, मैग्नीट्यूड कितना है, 63.51 kV, फेज एंगल कितना है, 0 degree। तो अगर मैं रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना है, 63.51, एंगल कितना है, 0 degree, और किसमें, किलो वोल्ट में। क्यों बेटा 0 degree आया, क्योंकि हमेशा जब भी आप फेजर डायग्राम बनाएंगे पर फेज डिफाइन होता है, तो रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को आप क्या मानते हैं, रेफरेंस फेजर का फेज एंगल क्या है, दैट इज 0 degree। दिस इज द रेफरेंस फेजर, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला चीज यहां पर बेटा आपको कैलकुलेट हो गई कि रिसीविंग इन फेज वोल्टेज का जो वैल्यू है, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को जब मैंने फेजर फॉर्म में लिखा तो मैग्नीट्यूड कितना है, 63.51, फेज एंगल कितना है, 0 degree, और किसमें, किलो वोल्ट में ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को आपने फेजर फॉर्म में क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका एक और चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रिसीविंग इन करेंट को कैलकुलेट करना है किसमें, फेज करेंट के फॉर्म में, ठीक है।
आप देखेंगे आपको रिसीविंग इन पावर दी है, रिसीविंग इन की कितनी फेज की पावर, 3 फेज पावर। तो आप देखेंगे रिसीविंग इन एक्टिव पावर, 3 फेज की जो पावर होती है क्या होती है बेटा, फार्मूला क्या होता है, रिसीविंग इन पावर क्या होगी, एक्टिव पावर की अगर मैं बात करूं, रिसीविंग इन एक्टिव पावर, 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर के √3, दैट इज रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग इन पावर फैक्टर। तो अगर मैं रिसीविंग 3 फेज रिसीविंग इन पावर का, एक्टिव पावर का, 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर का फार्मूला लिखूंगा तो बेटा क्या आएगा, √3 रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग इन पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू कॉस फाई आर। आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, आप अपने 3 फेज रिसीविंग इन पावर के फार्मूले को आप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को आप क्या भी लिख सकते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग इन फेज वोल्टेज, रिसीविंग इन फेज करंट मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग इन पावर फैक्टर। तो सेम फार्मूला इज ऑल्सो रिटन है जी, ये मैंने 3 फेज रिसीविंग इन पावर का जो फार्मूला है, 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर का फार्मूला आपके लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में लिखा है। सेम फार्मूले को आप क्या कर सकते हैं, फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। तो आप देखेंगे आपको 3 फेज रिसीविंग इन पावर मान में, 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ मुझे लाइन वोल्टेज और लाइन करेंट के टर्म में। तो दैट इज इक्वल टू √3 रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट एंड मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग इन पावर फैक्टर, दैट इज कॉस फाई आर। अगर मैं फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में लिखूं, दैट इज 3 फेज एक्टिव पावर रिसीविंग इन एक्टिव पावर, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग इन फेज वोल्टेज, रिसीविंग इन फेज करंट इनटू रिसीविंग इन पावर फैक्टर कॉस फाई आर, ठीक है। तीन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन है। अगर मैं लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर मालूम है, रिसीविंग इन पावर फैक्टर मालूम है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिसीविंग इन लाइन करंट निकाल। स्टार कनेक्शन है, रिसीविंग इन लाइन करंट एंड रिसीविंग इन फेज करंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। तो चाहे आप इस फार्मूले को यूज करो, चाहे इस फार्मूले को, बात क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं इस फार्मूले को यूज कर लेता हूँ, इससे भी निकालेंगे तो सेम ही चीज़ आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं इस फार्मूले को यूज करने वाला हूँ, दोनों में से किसी को भी यूज करिए, आंसर क्या आएगा, सेम। तो मैं जो है लाइन वोल्टेज दिया होता है, जनरली आपको 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज दिया होता है तो डायरेक्टली लाइन वोल्टेज को रखो, पावर फैक्टर दिया तो आपका रिसीविंग इन लाइन करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर, लाइन वोल्टेज के टर्म में क्या होगा, √3 रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग इन पावर फैक्टर, दैट इज कॉस फाई आर। तो यहां से अगर आप रिसीविंग इन लाइन करंट को निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय √3 रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग इन पावर फैक्टर। नाउ रिसीविंग इन 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर कितनी है बेटा, 8.5 मेगावाट डिवाइडेड बाय, नाउ रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज कितना दिया बेटा, दैट इज गिवन है जे 110 किलोवोल्ट एंड दैट इज रिसीविंग इन पावर फैक्टर, रिसीविंग पावर फैक्टर कॉस फायर कितना दिया, 0.85, दिस इज 0.85। नाउ इसको बेटा मैं वॉट में लिख देता हूं, इसको मैं वोल्ट में लिख देता हूं, तो आंसर मेरा एम्पियर में आएगा, वॉट डिवाइडेड बाय वोल्ट, दैट इज नथिंग बट द एम्पियर विल बी देयर, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट 8.5 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई √3, 110 गुणे वोल्ट में लिखेंगे, किलो को लिख सकते हैं 10 to the power 3, 0.85। जब यहां से मैं अपने रिसीविंग इन लाइन करंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा और ये मैग्नीट्यूड आपका कैलकुलेट होके आएगा बेटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 52.6
48 एम्पियर. दिस इज नथिंग बट रिसीविंग एंड लाइन करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया. क्योंकि स्टार कनेक्शन कुछ भी नहीं दिया तो हमेशा लोड में एक ऐसा कनेक्शन मान के चलेंगे स्टार कनेक्शन. स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन करंट होता है वही किसके बराबर होता है, फेज करंट के बराबर. चूंकि यहां पर मुझे रिसीविंग एंड का रिसीविंग एंड रखना है लेकिन किसके टर्म में, फेज करंट. मुझे लाइन करंट मालूम है, रिसीविंग एंड लाइन करंट मालूम है, तो मैं फेज करंट निकाल सकता हूं. चूंकि स्टार कनेक्शन बाय डिफॉल्ट कोई भी कनेक्शन नहीं दिया लोड में तो हमेशा आप स्टार कनेक्शन मान के चलेंगे. दैट इज नथिंग बट द लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट. तो रिसीविंग एंड फेज करंट बड़ी आसानी से आप यहां पर लिख सकते हैं. रिसीविंग फेज करंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, लाइन करंट के बराबर होने वाला है. ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर. यहां पर मैं लिखने वाला हूं या फिर आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज करके डायरेक्टली अपने रिसीविंग एंड लाइन करंट के, लाइन करंट को डायरेक्टली फेज करंट के टर्म में लिख सकते हैं. रिसीविंग एंड फेज करंट को डायरेक्टली यहां से भी कैलकुलेट, स्टार कनेक्शन है, लाइन करंट फेज करंट दोनों क्या होंगे, सेम. तो मैंने लाइन करंट कैलकुलेट कर ली, इसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फेज करंट के बराबर बेटा होने वाली है. ठीक है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं क्योंकि स्टार कनेक्टेड लोड है, कुछ लोड के बारे में नहीं पता तो हमेशा आप कौन सा कनेक्शन लेके चलेंगे, लोड में भी स्टार कनेक्शन लेके चलेंगे. तो फॉर स्टार कनेक्शन दैट इज रिसीविंग इन लाइन करंट इज इक्वल टू रिसीविंग इन फेज करंट. तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं तो रिसीविंग इन फेज करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 52.47 एम्पीयर. नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड. लेकिन आप देखेंगे इक्वेशन में आपको जब भी रिसीविंग इन को रखना है फेज करंट में, लेकिन किस फॉर्म में, फेजर फॉर्म में, तो यहां पर मुझे इसके एंगल को भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, एंगल कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे जो लोड लगाया है आपने, कैसा लोड है बेटा, लैगिंग लोड है. कैसा लोड है बेटा, लैगिंग लोड है. ठीक है, तो लैगिंग का मतलब क्या होता है कि जो यहां पर मैंने लोड लगाया है, कैसा लोड है बेटा, लैगिंग लोड है. लैगिंग लोड मतलब आरएल लोड विल बी देयर. तो आप देखेंगे लैगिंग लोड के केस में जो आपका लोड का टर्मिनल करंट होता है, लोड का टर्मिनल करंट दैट इज इक्वल टू आईआर, लोड के टर्मिनल वोल्टेज दैट इज नथिंग बट द वीआर से क्या करेगा, लैग करेगा. कितने एंगल से लैग करेगा, दैट इज नथिंग बट द फाइ आर से लैग करेगा. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जब मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा तो रिसीविंग इन करंट मुझे फेज करंट के टर्म में कैसे लिखना है, फेजर फॉर्म में लिखना है. यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है. तो इस चीज को मैं समझाने वाला हूं. मैग्नीट्यूड तो मालूम है मुझे, इसको फेजर फॉर्म में लिखना है तो इसके फेज एंगल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आप देखेंगे इस चीज को मैं फेजर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आप देखेंगे कैसा लोड लगा रखा है बेटा आपने, जो आपने लोड लगा रखा है वो कैसा लोड है, लैगिंग लोड है. फॉर लैगिंग लोड मतलब आरएल लोड. आरएल लोड के केस में जो लोड का टर्मिनल करंट दैट इज आईआर, लोड के टर्मिनल वोल्टेज वीआर से क्या करेगा, लैग करेगा. कितने एंगल से लैग करेगा, फाइआर से. तो नाउ इस चीज को फेजर से समझेंगे. आप देखेंगे क्योंकि कैसा लोड है, लैगिंग लोड है, या फिर आपको लोड का जो पावर फैक्टर दिया है वो कैसा दिया बेटा, लैगिंग पावर फैक्टर. लैगिंग पावर लैगिंग लोड. तो आप लिखेंगे फॉर लैगिंग लोड, लैगिंग लोड. अगर मैं लैगिंग लोड के लिए फेजर डायग्राम बनाऊं तो लैगिंग लोड के केस में जो आपका रिसीविंग इन करंट होता है वो रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज रेफरेंस फेजर, दिस इज वीआर. वीआर का मैग्नीट्यूड है, वीआर फेज एंगल इज रेफरेंस फेजर, दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस. लैगिंग लोड के केस में जो आईआर का फेजर होगा वो वीआर के फेजर से क्या करेगा, लैग करेगा. लैग करने का मतलब आपका जो एंगल है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा. निगेटिव मतलब किस डैश में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें मतलब कैसा एंगल होगा, निगेटिव एंगल होगा. एंगल निगेटिव तो मतलब लैगिंग एंगल विल बी देयर. तो आप देखेंगे लैगिंग लोड के केस में जो दैट इज रिसीविंग इन करंट, लोड का जो टर्मिनल करंट है दैट इज आई आर, वो लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर से क्या करेगा, लैग करेगा. कितने एंगल से लैग करता है बेटा, फाइ आर से लैग करता है. तो लैगिंग लोड के केस में जो रिसीविंग इन करंट होता है वो रिसीविंग इन वोल्टेज से क्या करता है, लैग. मतलब कैसा एंगल, निगेटिव. निगेटिव मतलब किस दिख में, दैट इज क्लॉकवाइज दिख में. कितने एंगल से लैग करता है, फाइ आर से. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप आई आर के फेजर को लिखना चाहें तो आई आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई आर फेज एंगल क्या होगा, चूंकि आपका आई आर का फेजर
वीआर से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, या फिर रेफरेंस वीआर ही नहीं, रेफरेंस फेजर, ठीक है। फेजर डायग्राम में जितने भी एंगल आप मेजर करते हो वो कहाँ से मेजर करते हैं, रेफरेंस से। तो लैगिंग लोड के केस में जो आईआर होगा वो रेफरेंस या फिर वीआर से क्या करेगा, लैग करेगा, कितने एंगल से, फाइव से। लैगिंग की वजह से इस एंगल को आप किस डायरेक्शन में मेजर करें, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें। लैगिंग एंगल में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर होता है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा जो आईआर है को जब मैं फेजर सॉल्व, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आईआर, चूंकि आपका लैगिंग एंगल है, लैगिंग मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब इस एंगल को आप किस साइन के साथ, माइनस, कितने एंगल से लैग कर रहा है, फाइव। तो माइनस का मतलब कैसा है बेटा, आईआर का जो फेजर है वो वीआर से, माइनस का मतलब लैग कर रहा है, कितने एंगल से, फाइव। तो लैगिंग का मतलब होता है कैसे एंगल, नेगेटिव। तो एंगल अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखा है तो ये एंगल कैसा होगा, लैग एंगल। तो आईआर का फेजर रेफरेंस फेजर, रेफरेंस फेजर से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने एंगल से, फाइव से। तो आप देखेंगे अगर मैं आईआर के फेजर को लिखना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड तो बेटा मुझे मालूम है कितने एंगल से, जब भी लैगिंग लोड होगा तो हमेशा जो आईआर का फेजर होगा, आईआर का फेजर वीआर से क्या करेगा, लैग करेगा, कितने एंगल से लैग करेगा, फाइआर से। अगर मुझे फाइआर की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो मैं इसको क्या करूंगा, फेजर फॉर्म में लिख सकता हूं। फाइआर कैसे निकाल सकते हैं, क्या आपको पावर फैक्टर दिया है, क्या कॉस फाइआर की वैल्यू दी है, दिस इज 0.85। तो आप इस लैगिंग एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा लैगिंग लोड में जो रिसीविंग इन करंट का फेजर होगा वो हमेशा रिसीविंग इन करंट, दैट इज आईआर का फेजर वीआर से क्या करेगा, लैग करेगा, कितने एंगल से लैग करेगा, फाइआर। तो फाइआर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि मुझे लोड का पावर फैक्टर कॉस फाइआर दिया है तो मैं फाइआर निकाल सकता हूं। अगर मुझे फाइआर आ जाएगा, फाइआर को यहां पर रख दूंगा तो मैं आपके रिसीविंग इन करंट को फेजर फॉर्म लिखूंगा, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज एंगल। लेकिन एंगल कैसा लोड है, लैगिंग लोड है, लो एंगल को आप हमेशा किस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करना चाहता हूं तो मुझे रिसीविंग इन करंट को किस फॉर्म में लिखना है, फेजर फॉर्म में लिखना है। फेजर फॉर्म के लिए हमेशा जो रिसीविंग इन करंट का फेजर होगा वो रिसीविंग इन वोल्टेज से क्या करेगा, या फिर रेफरेंस से, कितने एंगल से लैग करेगा, फाइआर से। तो मुझे फाइआर की वैल्यू चाहिए, फाइआर के लिए आपको लोड का पावर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, यहां मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपको दिया है लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर, दैट इज लोड पावर फैक्टर, कितना दिया है बेटा, लोड पावर फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाइव आर से, जिसकी वैल्यू आपको दी है 0.85, कितनी दी है 0.85। लोड पावर फैक्टर कॉस फाइव आर जो कि आपको दिया है 0.85, तो यहां से आप फाइव आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू फाइव आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.85, दिस इज 0.85। जब आप बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये पावर फैक्टर है बेटा, वो कैसा है बेटा, लैगिंग पावर फैक्टर, कैसा है पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है। यहां से जब आप फाइव आर निकालेंगे तो फाइव आर की वैल्यू आपकी आएगी, दैट फाइव आर इज नथिंग बट जीरो, दैट इज फाइव आर इज नथिंग बट कॉस इनवर्स 0.85। तो यहाँ फाइव आर निकालेंगे अगर 31.78 डिग्री। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको लोड का पावर फैक्टर दिया है, दैट इज कॉस फाइव आर, तो यहाँ से आपने फाइव आर निकाल लिया। लैगिंग लोड के केस में जो रिसीविंग इन करंट होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज से कितना लैग करेगा, फाइव आर। फाइव आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ रही, दैट इज नथिंग बट द 31.78। तो अगर जो है आप अपने रिसीविंग इन करंट के फेजर को लिखना चाहें तो रिसीविंग करंट का मैग्नीट्यूड है 52.48, और लैगिंग एंगल है, लैगिंग एंगल मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब कैसा, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। जब भी एंगल क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा नेगेटिव, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज है तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव लिखे, नेगेटिव का मतलब कौन सा एंगल हुआ ये बेटा, लैगिंग एंगल हुआ, और कितना लैग करा, फाइव आर। फाइव आर की वैल्यू कितनी, 31.7 है, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस रिसीविंग इन करेंट को, रिसीविंग इन फेज करंट को फेजर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो रिसीविंग इन फेज करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 52.47। चूंकि रिसीविंग इन फेज करंट रिसीविंग वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, लैग करने का मतलब एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव। तो दिस इज मतलब
नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग कर रहा है? फाइव आर। फाइव आर की वैल्यू कितनी है? 31.78। तो ये चीज बेटा हमेशा याद रखनी है कि नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि आपका जो है जो पावर फैक्टर है वो कैसा है? लैगिंग। तो जब भी लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन। तो यहां पर मैंने रिसीविंग इन फेज करंट को किस फॉर्म में लिखा है? फेजर फॉर्म में। दिस इज नथिंग बट एम्पियर। तो आप देखेंगे आपको सारी की सारी चीजें बेटा यहां पर मालूम चल गई हैं, ठीक है। रिसीविंग इन वोल्टेज को आपने कैलकुलेट कर लिया है, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिख लिया है, रिसीविंग इन फेज करंट को फेजर फॉर्म में लिख लिया है, रिसीविंग इन वोल्टेज को फेजर फॉर फेज रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिख लिया, रिसीविंग इन फेज करंट को फेजर फॉर्म लिख लिया है। ए पैरामीटर मालूम है, डी पैरामीटर आपको, बी पैरामीटर मालूम है। तो आप अपने सेंडिंग इन वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? सेंडिंग इन फेज वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? फेजर फॉर्म में। और आप देखें किसी भी फेजर का जब एंगल मैं बनाऊंगा, जो भी एंगल आएगा वो किस फेज कहां से होगा? रेफरेंस से। मतलब जब भी मैं यहां से किसी भी फेजर को निकालूंगा तो फेजर का किसी फेजर डायग्राम में जब किसी भी फेजर का एंगल मेजर किया जाता है वो हमेशा कहां से मेजर किया? रेफरेंस। तो जो भी एंगल आएगा वो रेफरेंस से वो फेजर इतना एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर अपने सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। सारी की सारी चीजें बेटा आपको मालूम चल गई हैं। अब आप अपने सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा? सेंडिंग इन फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू रिसीविंग इन फेज वोल्टेज प्लस बी इंटू रिसीविंग इन फेज करंट, ठीक है। नाउ सारी की सारी चीजें मालूम है। ए पैरामीटर कितना है बेटा? दिस इज योर ए पैरामीटर, दिस इज 0.98 रख देता हूं, 5 को हटा देता हूं, ठीक है। नाउ 0.98 लगभग बराबर ही वैल्यू रख रहा हूं। एंगल कितना है बेटा? 0.687 है, तो 0.6 रख देता हूं तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। दिस इज ए पैरामीटर। नाउ रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिखना है। नाउ दिस इज रिसीविंग इन फेज वोल्टेज फेजर फॉर्म में कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड है बेटा किलो वोल्ट में है, ठीक है। वोल्ट में लिखूंगा तो किलो को लिख सकता हूं 10 to the power 3, ठीक है। तो नाउ दिस इज 63.51 एंगल 0 डिग्री, वोल्ट में लिखूंगा तो 10 to the power 3 आ जाएगा। प्लस बी पैरामीटर कितना है बेटा? दिस इज 80.27, फेज एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 51.47, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग इन फेज करंट, किस फॉर्म में? फेजर फॉर्म में। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द फेज एंगल विल बी देयर, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं इन सारी वैल्यू को यहां पर लिख देता हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको बाद में यूज कर लूंगा। ए पैरामीटर आपको मालूम है, बी पैरामीटर, सी पैरामीटर यहां लिख देता हूं। सी पैरामीटर की वैल्यू कितनी है बेटा? दिस इज 0.00046, फेज एंगल है 90.328। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे, वाई और जेड की तो जरूरत होगी नहीं, ठीक है। नाउ रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज को भी यहां पर लिख देता हूं बेटा, रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है 110 किलो वोल्ट। अगर मैं रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिख दूंगा तो कितना आ रहा है बेटा? 63.51 एंगल 0 डिग्री। नाउ रिसीविंग इन फेज करंट को भी यहां पर लिख देता हूं जिससे ये जगह खाली हो जाएगी। रिसीविंग इन फेज करंट कितना है? 52.47, फेज एंगल कितना है बेटा? -31.78 डिग्री, ठीक है, जिससे मेरी सारी ये जगह खाली हो गई, ठीक है। तो इस चीज को बेटा याद रखिएगा, फेजर डायग्राम बना के दिखाए जिससे आपको सारी चीजें क्लियर है। लैगिंग का मतलब होता है क्लॉकवाइज
एंगल मतलब निगेटिव विल बी देयर। तो जब मैं फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो दैट रेफरेंस है कितना एंगल बना फाई आर, लेकिन कैसा है क्लॉकवाइज, इसलिए इसको किस साइन के साथ हूँ माइनस साइन के साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट लाइक दिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बगल में लिख दी हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से इनको यूज कर लूँगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम लोग अपने सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा। नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज यू वांट टू कैलकुलेट, नाउ दिस इज यहाँ पर बी की वैल्यू रख दी थी, दैट इज रिसीविंग इन फेज वोल्टेज। रिसीविंग इन फेज वोल्टेज तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाउ दिस इज कितना आएगा, नाउ दिस इज रिसीविंग इन फेज वोल्टेज 52.47, फेज एंगल होगा माइनस 31.78 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे किलो में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी 63510, 1000 से गुणा होने के बाद 1 से छोटे नंबर से तो इससे कम नंबर हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 62239.8 और फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे जैसे 0.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा दिस इज 4212। पॉइंट में भी कुछ आएगा जिसको मैंने लिखा नहीं है, और ये फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस ऐड होने मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 19.69 डिग्री विल बी देयर। अब आप देखेंगे दोनों को ऐड करना है तो पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसको पोलर फॉर्मेट में बेटा मैं लिख देता हूँ, दिस इज आर कॉस थीटा एंड दैट इज जे आर साइन थीटा 62239.8 कॉस 0.6 प्लस जे 62239.8 साइन 0.6। इसको जब लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट द आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा विल बी देयर, दिस इज 4212 कॉस 19.69 प्लस दिस इज जे 4212 साइन 19.69। ठीक है, रियल रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो यहां से आपका सेंडिंग इन फेज वोल्टेज आ जाएगा, और फेज पोलर दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आने के बाद उसको हम लोग पोलर फॉर्मेट में लिख देंगे, तो रियल रियल पार्ट एक साइड इमेजिनरी एक साइड, तो मैं उसको क्या लिखूंगा फिर से रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करके लिखूंगा, तो दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन फेज वोल्टेज, जब मैं कैलकुलेट करूंगा फेजर फॉर्म में तो यहां से आपका कितना कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आपका आएगा यहां से दिस इज इक्वल टू 66259.57, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और फेज एंगल आएगा 1.8 वोल्ट। अगर बेटा मैं इसको किलो वोल्ट में लिखना चाहूँ तो तीन अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, तो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज जो होगा वो कैलकुलेट होगा 66.25, फेज एंगल इज 1.8 डिग्री, और ये किस में आएगा बेटा किलो वोल्ट में। नाउ दिस इज नथिंग बट योर सेंडिंग इन फेज वोल्टेज, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है, अगर आपको वोल्टेज लाइन वोल्टेज के टर्म में लिखें तो आपको आंसर भी हमेशा थ्री फेज सिस्टम में किसके टर्म में देना है, फेज वोल्टेज के टर्म में नहीं देना, किसके वो किस के टर्म में देना है, लाइन वोल्टेज के टर्म में देना है। ठीक है, तो सेंडिंग इन वोल्टेज का फेज वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब मैं आंसर दूंगा तो किसके टर्म में दूंगा, लाइन वोल्टेज के टर्म में देने वाला हूं। ठीक है, तो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज मालूम है तो मैं सेंडिंग इन लाइन करंट मालूंगा, स्टार कनेक्शन हमेशा कंसीडर करके चलूंगा, तो अगर आपको फेज वोल्टेज मालूम है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, रूट थ्री टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर मैंने जो सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट किया, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज कैलकुलेट किया है, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है 66.25 किलो वोल्ट, और फेज एंगल कितना है 1.8, मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है बेटा 1.85, पॉजिटिव एंगल है, अगर पॉजिटिव एंगल है तो किस डायरेक्शन में मेजर करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने वाला हूं। ठीक है, तो जब भी मुझसे जो है सेंडिंग इन, क्योंकि फेजर डायग्राम में जो भी फेजर होते हैं वो हमेशा फेज
जब भी आप फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम पर फेज डिफाइन होता है, मतलब वहां पर जितने भी फेजर होंगे वो हमेशा फेज वोल्टेज या फिर फेज करंट के फेजर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फेजर डायग्राम में मैं कभी भी सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, हमेशा फेजर डायग्राम में मैं सेंडिंग इन फेज वोल्टेज के फेजर को ही बनाने वाला हूं। सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का फेजर रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, 1.8, चूंकि पॉजिटिव एंगल है इसलिए कितना एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से लीड कर रहा होगा, 1.8। लीड क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव एंगल, अगर पॉजिटिव एंगल है तो आपका फेजर रेफरेंस फेजर से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मालूम है। अगर आप, चूंकि थ्री फेज सिस्टम हमेशा आप आंसर देंगे वोल्टेज या फिर करंट को लाइन वोल्टेज और करंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेंडिंग इन लाइन करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, बार हटा दिए मतलब मैग्नीट्यूड, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ सेंडिंग इन फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फेज वोल्टेज। नाउ दिस इज √3। नाउ कितना है बेटा सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, कितना है 66.25 किलो वोल्ट। तो यहां से जब निकालेंगे सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आएगा आपका, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 114.74 किलो वोल्ट। तो दिस इज योर आंसर, सेंडिंग इन वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंडिंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट कराओ, तो सेंडिंग इन वोल्टेज को अगर मैं लाइन वोल्टेज के टर्म में कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 114.74 किलो वोल्ट। अगर मैं सेंडिंग इन फेज वोल्टेज को लिखना चाहूँ तो सेंडिंग इन वोल्टेज, फेज वोल्टेज कितना होगा, 66.25 किलो वोल्ट विल बी देयर। अब दूसरा चीज आपको कैलकुलेट करना था, दैट इज सेंडिंग इन करंट को आप क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहला कैलकुलेशन आपका कैलकुलेट हो गया, इसको भी बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं, सेंडिंग इन लाइन करंट ये है और सेंडिंग इन फेज करंट आपका ये है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं दूसरा जो आपको कैलकुलेशन करना था, सेंडिंग इन करंट को आप क्या करना चाहते थे बेटा, कैलकुलेट करना चाहते थे। सेम इक्वेशन को यूज करेंगे, सेंडिंग इन फेज करंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी इन टू रिसीविंग इन फेज वोल्टेज प्लस डी इन टू रिसीविंग इन लाइन, दैट इज रिसीविंग इन फेज करंट विल बी देयर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम इक्वेशन को यूज करेंगे, वहां से आपका सेंडिंग इन करंट क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैं आपका नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाला हूं, सेंडिंग इन करंट। नाउ सेंडिंग इन करंट विल बी देयर। नाउ सेंडिंग इन फेज करंट, जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहां से सेंडिंग इन करंट की जब वैल्यू निकालूंगा तो कौन सा करंट आएगा, सेंडिंग इन फेज करंट इज इक्वल टू क्या होगा, सी इन टू रिसीविंग इन फेज करंट प्लस डी इन टू रिसीविंग इन दैट इज फेज करंट। यहां पर आपको जो रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट रखना है वो किस फॉर्म में रखना है, फेजर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल भी रखेंगे। तो सेंडिंग इन करंट, सेंडिंग इन फेज करंट क्या हो जाएगा बेटा, सी पैरामीटर कितना कैलकुलेट किया आपने, सी पैरामीटर ये लिखा हुआ बेटा, दिस इज 0.00046, फेज एंगल कितना है 90.328। नाउ दिस इज रिसीविंग इन फेजर को, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म में लिखना है, तो रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को जब मैं फेजर फॉर्म लिखूंगा तो रिसीविंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, दिस इज नथिंग बट रिसीविंग इन फेज वोल्टेज को फेजर फॉर्म 63.151 एंगल 0 डिग्री, किसमें, किलो वोल्ट में। ठीक है, तो बेटा लिख रहा हूं 63.51, फेज एंगल बेटा कितना है, फेज एंगल है 0 डिग्री और बेटा ये किसमें है बेटा, किलो वोल्ट, किलो वोल्ट है, तो बेटा मैं इसको वोल्ट में लिख देता हूं, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 10^3 प्लस। नाउ डी पैरामीटर जब आपने लिखा, डी पैरामीटर ये दिया हुआ बेटा, डी पैरामीटर इज नथिंग बट है 0.98, फेज एंगल लिख देता हूं 0.6, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग एंड करंट को फेजर फॉर्म में लिखना है। जब मैं फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो रिसीविंग करंट को फेजर फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, दिस इज 52.47, फेज एंगल आ जाएगा -31.78 डिग्री। नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपने इसको लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 29.214, और फेज एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0 प्लस दिस दैट इज सेम एंगल 90.328। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 से कम नंबर से मल्टी, तो इससे छोटा नंबर आएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 51.43, फेज एंगल इज -31.18, ठीक है। नाउ दोनों को ऐड करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा 90.328 प्लस, नाउ दिस इज आर कॉस थीटा, कॉस के अंदर निगेटिव एंगल है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू आर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 31.78 इज इक्वल टू कॉस 31.18 विल बी देयर। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉस 31.68। यहां पर क्या आएगा, आर साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस हो जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस जे, तो आप देखेंगे क्या होता है, प्लस जे आर साइन थीटा, चूंकि एंगल निगेटिव तो साइन माइनस थीटा माइनस, तो माइनस पहले लिख दिया, जे आर की वैल्यू कितनी होगी 51.43, साइन माइनस थीटा था तो माइनस को बेटा मैंने बाहर पहले लिख दिया, तो केवल लिखूंगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, साइन 31.18, दिस इज 18 विल बी देयर, दिस इज 18। नाउ दिस इज रियल पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, जब मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूंगा, सेंडिंग इन फेज करंट को जब मैं लिखूंगा पोलर फॉर्मेट में, तो मैग्नीट्यूड आएगा 43.88 और फेज एंगल बेटा आएगा 3.48 एम्पियर। नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन फेज करंट। एक चीज यहां पर देखेंगे, जो मैंने सेंडिंग इन फेज करंट का फेजर लिखा, तो इसका एंगल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव एंगल, अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये एंगल कहां से मेजर होगा, रेफरेंस से, ठीक है। पॉजिटिव एंगल मतलब ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, रेफरेंस से कितना लीड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू लीडिंग एंगल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल 3.48 विल बी देयर। नाउ अगर यहां पर आप बात करेंगे, चूंकि थ्री फेज सिस्टम हमेशा लाइन करंट के फॉर्म में आप चीजें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको देखेंगे, चूंकि स्टार कनेक्शन हमेशा मान के चलते हैं, कोई कनेक्शन है स्टार कनेक्शन, तो आप देखेंगे स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट होता है वही किसके बराबर, तो लाइन करंट, तो सेंडिंग इन लाइन करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सेंडिंग इन फेज करंट के बराबर होने वाली है। तो दिस इज नथिंग बट द पहला आंसर ये आपका हो गया। दूसरा आंसर अगर मैं आप देखूंगे स्टार कनेक्शन है, तो सेंडिंग इन लाइन करंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है फेज करंट के बराबर होता है, तो सेंडिंग इन लाइन करंट इज नथिंग बट इक्वल टू सेंडिंग इन फेज करंट, और ये कितना आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 43.88 एम्पियर। नाउ दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, तो सेंडिंग इन लाइन करंट की वैल्यू, अगर आपसे सेंडिंग इन करंट पूछा जा रहा है, तो सेंडिंग इन लाइन करंट कितना होगा, 43.88 एम्पियर। आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा आप क्या करते हैं, कैपेसिटी इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, ड्यू टू द कैपेसिटी इफेक्ट हमेशा जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, वो रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा होता है। आप देखेंगे रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड, आप देखेंगे रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 52.47,
और सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 43.88 दिख रहा है, कम है। आप देखेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप कैपेसिटी इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। ड्यू टू द कैपेसिटी इफेक्ट हमेशा सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू द कैपेसिटी इफेक्ट, ड्यू टू द चार्जिंग करंट, या फिर चार्जिंग करंट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट दैट इज नथिंग बट द आईसी, जो आपका सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज लेस देन रिसीविंग इन करंट मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में आप देखेंगे सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फेज करंट लाइन करंट दोनों सेम होंगे, इसलिए चाहे किसी में भी कंपेयर करिए, चाहे लाइन करंट में कंपेयर करिए चाहे फेज करंट में, सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 43.88। सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 52.47, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। ये निष्कर्ष भी यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ कर दिया, जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकली दिखाया था, फेजर डायग्राम से ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था कैसा आना चाहिए। तो पहले दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज को यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, सेंडिंग इन करंट को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको सेंडिंग इन पावर फैक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। सेंडिंग इन पावर फैक्टर क्या होगा, दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज आप देखेंगे, उसके लिए आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल दैट इज फाई एस, इस सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच के एंगल का कोसाइन अगर ले लेंगे तो आ जाएगा सेंडिंग इन पावर फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई एस से। तो अगर आप सेंडिंग इन पावर फैक्टर निकालना चाहते हो तो आपको फाई एस निकालना है। फाई एस क्या है, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के फेजर के बीच के एंगल को निकालना पड़ेगा। अगर सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच के एंगल का, फेजर्स के बीच के एंगल को निकालना है तो दोनों के फेजर को ड्रॉ कर लो, और दोनों के फेजर को ड्रॉ करने के बाद दोनों के बीच के एंगल को कैलकुलेट कर लो। दोनों के बीच का एंगल फाई एस होगा और उसी एंगल का कोसाइन ही क्या होगा, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो आप देखेंगे अगर आप सेंडिंग इन पावर फैक्टर को निकालना चाहते हो तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर ड्रॉ कर लो, सेंडिंग इन करंट का फेजर ड्रॉ कर लो, और दोनों के फेजर के बीच के एंगल को कैलकुलेट कर लो। दोनों के बीच के एंगल क्या होगा, फाई एस। और अब आप देखेंगे जब भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पर फेज, जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा क्या होता है, पर फेज होता है। मतलब फेजर डायग्राम में जब मैं सेंडिंग इन वोल्टेज को फेजर को ड्रॉ करूंगा तो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ करूंगा, सेंडिंग इन करंट के फेजर को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो सेंडिंग इन करंट के फेजर के लिए मैं सेंडिंग इन फेज करंट के फेजर को क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। तो फेजर डायग्राम में हमेशा आप सेंडिंग इन वोल्टेज के फेज वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ करेंगे और सेंडिंग इन करंट के फेज करंट के फेजर को ड्रॉ करेंगे। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट को फेजर डायग्राम में ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि फेजर डायग्राम हमेशा फेज वोल्टेज और फेज करंट के लिए ही ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि पर फेज फेजर डायग्राम आप हमेशा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए फेजर डायग्राम मुझे यहाँ पर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फेजर डायग्राम के लिए आप सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर को लिख लीजिए और सेंडिंग इन करंट के फेजर को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मैंने सेंडिंग इन वोल्टेज के, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज को कैलकुलेट किया था फेजर फॉर्म में, तो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज को जब मैंने फेजर फॉर्म में कैलकुलेट किया था तो उसका मैग्नीट्यूड आया था बेटा 66.25, और फेज एंगल जब आपने कैलकुलेट किया था तो कितना था 1.8 किलो वोल्ट। दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन फेज वोल्टेज। सेंडिंग इन फेज करंट को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सेंडिंग इन फेज करंट को भी कैलकुलेट किया है फेजर फॉर्म में, कितना है बेटा मैग्नीट्यूड है 43.88 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड है। फेज एंगल कितना है 3.48 डिग्री। तो दिस इज सेंडिंग इन फेज करंट को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं दोनों के फेजर डायग्राम को बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों के फेजर को बनाने के बाद उनके बीच के एंगल को निकालना काफ़ी आसान होने वाला है, ठीक है। नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, नाउ
किसी भी फेजर के फेज एंगल को जब आप मेजर करते हैं, वो कहाँ से मेजर करते हैं? रेफरेंस। व्हाट इज द रेफरेंस फेजर? रेफरेंस फेजर हमेशा होता है रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर को आप क्या मानते हैं? रेफरेंस फेजर। तो जब भी मैं किसी भी फेजर के एंगल को मेजर करूंगी, एंगल कहाँ से बना होगा बेटा, कहाँ से मेजर किया होगा? रेफरेंस फेजर से। तो नाउ दिस इज द रेफरेंस फेजर, दिस इज वी आर रिसीविंग इन वोल्टेज को रेफरेंस फेजर मानते हैं। इसका एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। नाउ दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस फेजर, दिस इज रेफरेंस फेजर। अब मैं किसका फेजर ड्रॉ करने वाला हूँ? सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर को ड्रॉ कर, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का जो फेजर है उसका एंगल कितना है बेटा? उसका एंगल है 1.8 डिग्री, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मैं इस एंगल को, अच्छा कोई किसी भी फेजर के जो एंगल को मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे? वी आर से। मतलब जो मैं सेंडिंग इन फेज वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ करूंगा तो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का फेजर रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा होगा? 1.8 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ये एंगल कैसा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आप इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका पॉजिटिव एंगल हमेशा कैसा, जब भी आपके पास एंगल पॉजिटिव होता है तो उस एंगल को आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब कैसा होगा बेटा? लीडिंग फेजर होने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर होगा, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का फेजर है, वो रेफरेंस से मतलब वी आर के फेजर से कितना लीड कर रहा है? पॉजिटिव एंगल है, इसलिए किस एंगल को क्या बोल रहा हूँ? लीडिंग एंगल। कितना लीड कर रहा है? 1.8 डिग्री, क्योंकि लीडिंग एंगल है मतलब पॉजिटिव एंगल है। मतलब मैं सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर को जब बनाऊंगा तो रेफरेंस फेजर से पॉजिटिव एंगल को किस डायरेक्शन में मेजर करें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना एंगल बना रहा होगा? 1.8 डिग्री बना रहा होगा। तो आप जहां पर सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का फेजर जो है रेफरेंस फेजर से 1.8 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब किस डायरेक्शन में? दैट इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव एंगल है मतलब लीडिंग, लीडिंग का मतलब पॉजिटिव एंगल मतलब लीडिंग, और पॉजिटिव एंगल का मतलब किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। कितना एंगल बना रहा है? 1.8 डिग्री। तो दिस इज द फेजर ऑफ सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर। सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 66.25, फेज एंगल इज 1.8 डिग्री। चूंकि पॉजिटिव एंगल है इसलिए मैंने इसको किस डायरेक्शन में जगह? एंटी क्लॉक है। चूंकि पॉजिटिव एंगल है इसलिए मैंने क्या बोला? लीडिंग एंगल है जो कि एंटी क्लॉक वाइज कितना एंगल बना रहा है? 1.8 डिग्री। वहीं सेंडिंग इन फेज करंट का फेजर रेफरेंस से कितने एंगल पे है? 3.48। चूंकि पॉजिटिव एंगल है इसलिए किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेंडिंग इन करंट का फेजर रेफरेंस से कितना लीड कर रहा है? पॉजिटिव एंगल, इसलिए लीडिंग एंगल। अगर लीडिंग पॉजिटिव एंगल है, लीडिंग है, अगर लीडिंग है मतलब किस डायरेक्शन में मेजर? पॉजिटिव एंगल है इसलिए लीडिंग एंगल बोल रहा हूँ। चूंकि पॉजिटिव एंगल इसलिए मैं किस डायरेक्शन में मेजर करूंगा? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस से? यह कितना एंगल बना रहा है बेटा? रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? 3.48 डिग्री। सेंडिंग इन करंट का फेजर रेफरेंस से कितना लीड कर रहा है? लीड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव एंगल मतलब लीडिंग, लीडिंग का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना एंगल? 3.48। तो दिस इज नथिंग बट द 4.388। और कितने एंगल बना रहा है? 3.48। पॉजिटिव एंगल है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर पॉजिटिव एंगल है मतलब लीडिंग एंगल, लीडिंग का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना एंगल है? दैट इज 3.48। तो आप देखेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर बना लिया, सेंडिंग इन करंट का फेजर बना लिया, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल कितना होगा? फाइव एस। अगर कोई पूछे फाइव एस की वैल्यू क्या होगी, तो इस बड़े एंगल में से इस एंगल को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल मिल जाएगा। कितना आएगा बेटा? 3.48 - 1.8। जब इसको बेटा घटाएंगे तो एंगल आपका आएगा 1.68। अब लीडिंग है कि लैगिंग है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जब भी आपको जो है देखना है कि सेंडिंग इन करंट सेंडिंग इन वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो दोनों के फेजर को बना लो। सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर को बना लिया, सेंडिंग इन करंट के फेजर को बना लिया। अब लीडिंग और लैगिंग के लिए हमेशा क्या करते हैं?
सेंडिंग इन करंट, सेंडिंग इन वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, या फिर लीडिंग पावर फैक्टर लैगिंग, उसके लिए आप क्या करेंगे, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के फेजर को बनाने के बाद सेंडिंग इन वोल्टेज के फेजर को हमेशा क्या मानेंगे, रेफरेंस फेजर। रेफरेंस फेजर से या फिर वीएस के फेजर से हमेशा क्या करेंगे, जब भी आपको लीडिंग लैगिंग करना है तो वोल्टेज के फेजर से करंट के फेजर को मेजर करिए। अगर वोल्टेज के फेजर से मैं करंट के फेजर को मेजर करूँगा, अगर आपका जो है जो करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एंगल, अगर एंगल पॉजिटिव है मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। वहीं अगर जो है वोल्टेज के फेजर से जब मैं करंट के फेजर को मेजर करूंगा, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल का मतलब लैगिंग पावर फैक्टर। तो सेंडिंग इन करंट सेंडिंग इन वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, उसके लिए आपने क्या किया, सेंडिंग इन वोल्टेज से मैंने सेंडिंग इन करंट के फेजर को मेजर किया। मेजर किया तो किस डायरेक्शन में मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। तो आप देखेंगे जो इनपुट पावर फैक्टर होगा सेंडिंग इन करंट सेंडिंग इन वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लीडिंग एंगल, लीडिंग एंगल मतलब कितने एंगल से लीड कर रहा है, 1.68, मतलब पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो अगर आप सेंडिंग इन पावर फैक्टर निकालें तो सेंडिंग इन, तीसरा जो पॉइंट आपको निकालना था सेंडिंग इन पावर फैक्टर निकालना, तो सेंडिंग इन पावर फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का क्या मालूम है बेटा, एंगल मालूम है। इसी एंगल का कोसाइन ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो सेंडिंग इन पावर फैक्टर इन नथिंग बट द कॉस फाइव एस। नाउ दैट इज कॉस फाइव एस की बेटा वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज इक्वल टू 1.68, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दिस इज 0.999। अब लीडिंग पावर फैक्टर की लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि आपका जो सेंडिंग इन करंट है वो वोल्टेज के फेजर से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, 1.68, तो कैसा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप पावर फैक्टर लिखेंगे तो लीडिंग और लैगिंग लिखना जरूरी है। तो दैट इज आपका जो है कैसा पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग और लैगिंग के लिए हमेशा दोनों के फेजर को ड्रॉ करिए और वोल्टेज के फेजर से करंट के फेजर को मेजर करिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव एंगल मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, अगर आप जो है वोल्टेज के फेजर से करंट के फेजर को मेजर करेंगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे क्लॉकवाइज मतलब आपका जो है निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल का मतलब लैगिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पर ये लीडिंग पावर फैक्टर होने वाला है। तो तीसरा कैलकुलेशन भी आपने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, इनपुट पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना था जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। चौथा क्या निकालना था, दैट इज सेंडिंग इन पावर। तो आप देखेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज मालूम है, सेंडिंग इन करंट मालूम है, सेंडिंग इन पावर फैक्टर मालूम है, तो आप सेंडिंग इन पावर भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द सेंडिंग इन पावर, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं कैलकुलेट करने वाला हूं चौथा पैरामीटर जो आपको यहां पर कैलकुलेट करना था, दैट इज नथिंग बट सेंडिंग इन पावर, ठीक है। सेंडिंग इन पावर इज नथिंग बट कैलकुलेटेड बाई टू फार्मूलाज, ठीक है। आप लाइन वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं और लाइन दैट इज फेज। आप जो है सेंडिंग इन पावर के फार्मूले को आप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो और फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से बेटा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो चौथा चीज जो आपको कैलकुलेट करना था, दैट इज नथिंग बट सेंडिंग इन पावर, दैट इज सेंडिंग इन पावर। सेंडिंग इन पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पी एस। चूंकि थ्री फेज सिस्टम है तो जो पावर भी आप कैलकुलेट करेंगे कितने फेज की कैलकुलेट करेंगे, थ्री फेज की पावर को कैलकुलेट करने वाले। तो थ्री फेज सेंडिंग इन एक्टिव पावर, थ्री फेज सेंडिंग इन एक्टिव पावर इज नथिंग बट, अगर मैं लाइन वोल्टेज और लाइन करेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो दिस इज रूट थ्री सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज सेंडिंग इन लाइन करेंट एंड दैट इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर कॉस फाइव एस। अगर मैं फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में लिखूंगा तो दिस इज नथिंग बट द 3 × सेंडिंग इन फेज वोल्टेज सेंडिंग इन फेज करंट एंड दैट इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर दैट इज कॉस फाइव एस, ठीक है। आपको सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज लाइन करंट भी मालूम है, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज और फेज करंट भी मालूम है, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएं आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो दैट इज सेंडिंग इन थ्री फेज पावर
जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रूट थ्री. नाउ सेंडिंग इन लाइन करंट की वैल्यू कितनी दी है, सेंडिंग इन लाइन करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा पावर निकालने के लिए, दिस इज इक्वल टू 114.74 किलो में है, इसको वोल्ट में रख रहा हूँ, दैट इज 10 to the power 3. नाउ सेंडिंग इन लाइन करंट, सेंडिंग इन लाइन करंट कितना है, दिस इज 43.88. सेंडिंग इन पावर फैक्टर 0.999 है, मैंने 0.9 ही रख दिया. नाउ या फिर आप फेज वोल्टेज फेज करंट भी वाले हो वहाँ से भी निकाले हो तो सेम ही चीज़, दिस इज 3 into सेंडिंग इन फेज वोल्टेज. सेंडिंग इन फेज वोल्टेज ये लिखा हुआ बेटा 66.25 किलो वोल्ट में, तो वोल्ट में रख देता हूँ 10 to the power 3. सेंडिंग इन फेज करंट 43.88, सेंडिंग इन पावर फैक्टर 0.98. यहाँ से बेटा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 8.7 मेगावाट, और जब यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.7 मेगावाट. दोनों से सेम ही चीज़ आ रही, तो सेंडिंग इन थ्री फेज सेंडिंग इन एक्टिव पावर भी बेटा आपने क्या कर ली है बेटा, कैलकुलेट कर ली है. ठीक है, अब आपके पास जो है पांचवा चीज जो बेटा आपको कैलकुलेट करना था, दैट इज नथिंग बट योर सेकेंड लास्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना था, ट्रांसमिशन इफिशियंसी. ठीक है, तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, सारे तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन में क्या चीज जो है सरल रहेगी उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर देखना है. ठीक है, तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या होता है बेटा, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर. आउटपुट एक्टिव पावर इन नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, इनपुट एक्टिव पावर इन नथिंग बट द सेंडिंग इन पावर. आपको सेंडिंग इन पावर मालूम है, रिसीविंग इन पावर मालूम है, आप अपनी ट्रांसमिशन इफिशियंसी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना सेकेंड लास्ट पैरामीटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन इफिशियंसी. तो फार्मूला लिख देता हूं बेटा, ट्रांसमिशन इफिशियंसी दैट इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज ऑफ नीटा टी. दिस इज नथिंग बट आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर इनटू 100. क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है तो आउटपुट में आपको थ्री फेज पावर दिए, तो इनपुट में भी आप कितने फेज की पावर रखेंगे, थ्री फेज पावर को रखने वाले हैं. ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेकन, ये चीज हो चुकी है तो इसको मिटा देता हूं बेटा. नाउ दिस इज नथिंग बट आउटपुट एक्टिव पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, क्योंकि थ्री फेज पावर दी है तो आई कैन बी टेकन थ्री फेज ट्रांसमिशन, थ्री फेज पावर दी है तो रिसीविंग इन थ्री फेज एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई इनपुट एक्टिव पावर सेंडिंग इन पावर, दैट इज थ्री फेज सेंडिंग इन पावर इंटू क्या हो जाएगा 100. इसी फार्मूले को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप इनपुट पावर को क्या लिख सकते हैं बेटा, रिसीविंग इन पावर प्लस लॉसेज विल बी देयर. ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, द सेम फार्मूला कैन बी रिटन एज ए, क्योंकि हमेशा रिसीविंग इन पावर या फिर आउटपुट पावर दी होती है तो इनपुट पावर को आप आउटपुट पावर के टर्म में लिख सकते हैं, दिस इज थ्री फेज रिसीविंग इन पावर, इनपुट एक्टिव पावर इज इक्वल टू नथिंग बट द सेंडिंग इन पावर क्या हो जाएगा, दिस इज थ्री फेज रिसीविंग इन पावर प्लस लॉसेज. लॉसेज भी कितने फेज के लिखेंगे, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो लॉसेज भी आपको थ्री फेज के लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कि इस फार्मूले को लगाना आसान है, क्योंकि आपको रिसीविंग इन थ्री फेज पावर मालूम है और सेंडिंग इन थ्री फेज पावर मालूम है, यहां से आपका आंसर तुरंत निकल आएगा. लेकिन इस फार्मूले से भी आंसर निकालेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को लगाना टफ हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले को लगाने के लिए आपको लॉसेज निकालने पड़ेंगे. ठीक है, लॉसेज अभी मैंने आपको निकला के दिखा रहा हूं. ठीक है, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूले को यूज करना यहां पर आसान होगा. तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, थ्री फेज रिसीविंग इन पावर कितनी दी है बेटा, 8.5 मेगावाट. थ्री फेज सेंडिंग इन पावर कितने निकाली है, 8.7 मेगावाट इंटू 100. मेगावाट से मेगावाट कट जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी आपकी आ जाएगी लगभग 97.7%.
तो आप देखेंगे डायरेक्टली आपको सेंडिंग इन पावर मालूम थी, रिसीविंग इन पावर मालूम थी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डायरेक्टली आपको कैलकुलेट हो गई। लेकिन अगर कोई बोले कि सर अगर इस फार्मूले को लगाएं तो इस फार्मूले के लिए आप देखेंगे आपको आउटपुट या फिर रिसीविंग इन पावर मालूम है, आपको लॉसेज निकालने पड़ेंगे। तो लॉसेज कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैंने आपको जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। इस चीज़ को समझाने के लिए लॉसेज की ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर में लॉस किस में होता है, रजिस्टेंस में होता है। कौन सा मॉडल कंसिडर करके चल रहे थे बेटा, नॉमिनल पाई मॉडल कंसीडर करके चल रहे थे। जरा देखते हैं कि लॉसेज कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं अपनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल को बनाऊं, ठीक है, तो नॉमिनल पाई मॉडल में आप क्या करते हैं, लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस होता है उसमें से हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस को आप कहां पर कंसंट्रेट करते हैं, सेंडिंग इन साइड पे। हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। और लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो दिस इज सीटी बाई टू, नाउ दिस इज ऑल्सो सीटी बाई टू, दिस इज आर T and this is LT. That is half of the capacitance की वजह से आप बोल सकते हैं half of the total admittance of the transmission line is concentrated on the sending end side and half of the total capacitance की वजह से half of the total shunt admittance of the transmission line is concentrated on the रिसीविंग इन साइड। और बेटा सीरीज पैरामीटर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल इंपीडेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द योर सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ दिस इज द सेंडिंग इन, दिस इज इट सेंडिंग इन, सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वी एस से, दिस इज सेंडिंग इन करेंट रिप्रेजेंटेड बाई आई एस। नाउ दिस इज रिसीविंग, रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे वी आर से और रिसीविंग इन करेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आई आर से, ठीक है। नाउ ये वाला कैपेसिटर कहां पर कंसंट्रेट है बेटा, रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट है, ठीक है। तो आप देखेंगे चूंकि ये वाला कैपेसिटेंस रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट है, इस कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी आर। चूंकि ये कैपेसिटर आपका कहा, दिस कैपेसिटर इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड, तो इस कैपेसिटर के करंट को बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो दिस इज रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, दिस इज रिसीविंग इन करंट, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन करंट। नाउ दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन करंट आई टी एल। नाउ दिस इज ये वाला कैपेसिटर कहां पर कंसंट्रेट है, सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट है। तो नाउ दैट इज इस कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा बेटा, इस कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, सेंडिंग इन वोल्टेज, ठीक है। और आप देखेंगे वोल्टेज मालूम है, एडमिटेंस मालूम है, तो इस कैपेसिटर से जो चार्जिंग करंट फ्लो करेगा उसको बोलेंगे सेंडिंग इन चार्जिंग करंट। सेंडिंग इन चार्जिंग करंट प्लस ट्रांसमिशन लाइन करंट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन करंट विल बी देयर। तो आप देखेंगे इस ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर में लॉस किस में होगा, रजिस्टर में होगा। कितना अच्छा, ये जो फेजर डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है, ये कैसा सर्किट डायग्राम है, ये सारे के सारे कैसे डिफाइन है, पर फेज। तो दिस इज द पर फेज, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मॉडल, मॉडल ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मैंने पर फेज इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाया है। तो आप देखेंगे पर फेज आपकी ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर में किसमें लॉस होगा, रजिस्टर में। कितना लॉस होगा, करंट मालूम है, रजिस्टर। तो पर फेज लॉस कितना होगा, दैट इज आई टी एल स्क्वायर इन टू आर, क्योंकि रजिस्टर का लॉस का तो आई स्क्वायर इन टू आर। रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टेंस मालूम, तो पर फेज लॉस मालूम है। टोटल कितना फेज, थ्री फेज की ट्रांसमिशन, तो पर फेज इतना लॉस होगा आई टी एल स्क्वायर इन टू आर टी। तो टोटल तीन फेज में कितना लॉस होगा, थ्री इन टू आई टी एल स्क्वायर इन टू आर टी। तो अगर आप यहाँ पर लॉस निकालना चाहेंगे
कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में टोटल थ्री फेज में कितना लॉस होगा, तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में टोटल थ्री फेज में कितना लॉस होगा, पर फेज लॉस कितना होगा बेटा, करंट कितना, एक्टिव पावर में लॉस ट्रांसमिशन लाइन में केवल और केवल रेजिस्टेंस में होगा, ठीक है। तो पर फेज लॉस होगा दैट इज इक्वल टू आई टी एल स्क्वायर इंटू आर टी। तो टोटल थ्री फेज में कितना लॉस होगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री। तो आप देखेंगे अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन में लॉस निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस तो आपको मालूम है ट्रांसमिशन लाइन का 50 ओम है, आपको ट्रांसमिशन लाइन करंट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये करंट कैलकुलेट करेंगे तभी आपका थ्री फेज लॉस कैलकुलेट होगा। तो आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन करंट होगा वो क्या होगा, रिसीविंग इन करंट और रिसीविंग इन चार्जिंग करंट के फेजर, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के फेजर एडिशन के बराबर, एसी करंट है। तो अगर आप जो है इस लॉस को निकालना चाहते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन करंट निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसमिशन लाइन करंट इज नथिंग बट द फेजर एडिशन ऑफ रिसीविंग इन करंट प्लस रिसीविंग इन चार्जिंग करंट। रिसीविंग इन करंट आपको मालूम है बेटा फेजर फॉर्म में, नाउ रिसीविंग इन करंट बेटा मैंने कैलकुलेट किया था, रिसीविंग इन करंट जब आपने कैलकुलेट किया था तो कितना आ रहा था बेटा, जरा मुझे बताएंगे क्या, चलो मैं देख के बता देता हूँ। जब मैंने रिसीविंग इन करंट को फेजर फॉर्म में, फेजर एडिशन के बराबर है तो आप फेजर फॉर्म में ही यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, नाउ फेजर फॉर्म में ही आप लिखेंगे क्योंकि आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट होगा, ट्रांसमिशन लाइन का करंट क्या होगा, रिसीविंग करंट के फेजर में जब आप रिसीविंग चार्जिंग करंट के फेजर को ऐड करेंगे उनका जो रिजल्टेंट फेजर है दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन करंट। आप देखेंगे रिसीविंग करंट को आपने कैलकुलेट किया था फेजर फॉर्म में, फेजर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और फेज एंगल कितना आया था, 52.48। फेज एंगल बेटा कितना था, दैट इज इक्वल टू -31.78 डिग्री। आपको रिसीविंग इन चार्जिंग करंट कैलकुलेट करना है, इस कैपेसिटर से कितना करंट पास कर रहा है। तो आप देखेंगे कैपेसिटर का करंट निकालना है तो कैपेसिटर का वोल्टेज मालूम है, कैपेसिटर का एडमिटेंस मालूम है, वोल्टेज इज मल्टीप्लाइड बाय एडमिटेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, रिसीविंग इन चार्जिंग करंट इज नथिंग बट करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस, ठीक है। आपके इस रिसीविंग इन चार्जिंग करंट मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज दैट इज रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस, नाउ दैट इज इक्वल टू वाई बाई टू। चलो अब जो है आपको रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग इन वोल्टेज आप निकाल चुके हैं फेजर फॉर्म में, एडमिटेंस भी मालूम है, टोटल एडमिटेंस का हाफ ऑफ द एडमिटेंस उसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी आपको मालूम है। तो जरा कैलकुलेट करते हैं रिसीविंग इन चार्जिंग करंट। नाउ रिसीविंग इन, अच्छा ये जो है जो सर्किट डायग्राम पर फेज है, अगर ये पर फेज है तो यहां पर जो रिसीविंग इन वोल्टेज है, पर फेज इक्विवेलेंट डायग्राम है, तो यहां पर जो रिसीविंग इन वोल्टेज है उसकी कौन सी वैल्यू यूज करेगी बेटा, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज। नाउ दिस इज द आपका, यहाँ पर जब आप जो है जो भी चीज़ें आप निकालेंगे वो कैसी है, पर फेज, यहाँ पर रिसीविंग इन चार्जिंग करंट के मैं फेज करंट की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए क्योंकि पर फेज मॉडल आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसीविंग इन वोल्टेज की जो वैल्यू रखें वो कौन सी रखेंगे, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज यहाँ पर रखने वाले हैं। रिसीविंग इन फेज वोल्टेज आपको मालूम है फेजर फॉर्म में, नाउ कितना था बेटा, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज आप निकाल चुके हैं, रिसीविंग इन फेज वोल्टेज आपने कैलकुलेट किया था कितना आया था बेटा, 63.51 एंगल जीरो डिग्री, किसमें था, किलो वोल्ट में, दैट इज 10 to the power 3। नाउ एडमिटेंस भी बेटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल एडमिटेंस था, टोटल एडमिटेंस कितना आया था बेटा, दैट इज इक्वल टू दिस इज जे, दिस इज 0.000 या फिर आप जो है मल्टीप्लाई करना है फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज 0.00047 एंगल कितना था 90 डिग्री, दिस इज द टोटल एडमिटेंस डिवाइडेड बाई 2। नाउ दैट इज इक्वल टू रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, नाउ दिस इज 2 से यहां पर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 63.51
एंगल 0 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3, ब्रैकेट में आएगा। आप देखेंगे इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.000, दैट इज 285 एंड एंगल इज 90 डिग्री। अब आप देखेंगे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब फेज एंगल ऐड होंगे तो यहां 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, तो दोनों ऐड होने के बाद फेज एंगल तो आपका 90 डिग्री होने वाला है। और मैग्नीट्यूड में क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 63.51 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.000285। तो आप देखेंगे कि जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीट्यूड को जो मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 18.1 और फेज एंगल बेटा आपका आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 90 डिग्री विल बी देयर, दिस इज नथिंग बट योर रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, जिसको कि आपने फेजर फॉर्म में क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। रिसीविंग इन चार्जिंग करंट आप यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, आपका रिसीविंग इन करंट ये आपका कैलकुलेट हो चुका है। और आप देखेंगे आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है, रिसीविंग इन चार्जिंग करंट मालूम है, तो आप ट्रांसमिशन लाइन करंट को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है ये आपका पर फेज सर्किट डायग्राम है। अगर पर फेज है तो यहां पर जितने भी वोल्टेज होंगे वो पर फेज रखे जाएंगे, जितने भी करंट होंगे वो सारे के सारे पर फेज कैलकुलेट होने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं जो है ट्रांसमिशन लाइन करंट को कैलकुलेट करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन करंट कैसे कैलकुलेट होगा, पर फेज ट्रांसमिशन लाइन करंट कैलकुलेट होने वाला है। और इस ट्रांसमिशन लाइन करंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं रिसीविंग इन करंट की वैल्यू किसके टर्म में रखूंगा, पर फेज, और ये जो रिसीविंग इन चार्जिंग करंट है वो भी कैसे आपका डिफाइन होगा, पर फेज। तो दिस इज नथिंग बट द पर फेज रिसीविंग इन चार्जिंग करंट एंड दिस इज पर फेज योर रिसीविंग इन करंट। यहां पर मैं लिख देता हूं कि इस इक्वेशन में जब आप चार्जिंग करंट को रखेंगे, जब आप इस इक्वेशन में चार्जिंग करंट को रखेंगे तो चार्जिंग करंट को किसके टर्म में रखेंगे, दैट इज फेज करंट के टर्म में रखेंगे, दैट इज फेज करंट के टर्म में रखेंगे। रिसीविंग इन चार्जिंग करंट भी किसके टर्म में रखा जाएगा बेटा, दैट इज फेज करंट के टर्म में रखा जाएगा। और जब यहां से मैं आपके ट्रांसमिशन लाइन करंट को कैलकुलेट करूंगा तो ये किस में आएगा बेटा, फेज करंट के टर्म में आने वाला है, दिस इज फेज करंट, पर फेज ट्रांसमिशन लाइन करंट यहां से कैलकुलेट होगा। तो चलिए ट्रांसमिशन लाइन करंट को यहां पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ट्रांसमिशन लाइन करंट इज नथिंग बट द फेजर एडिशन ऑफ रिसीविंग इन करंट प्लस रिसीविंग इन चार्जिंग करंट। रिसीविंग इन करंट भी आपको मालूम है फेजर फॉर्म में, और रिसीविंग इन चार्जिंग करंट मालूम है, दोनों का मैं फेजर एडिशन करूंगा तो मुझे आपका ट्रांसमिशन लाइन करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, ट्रांसमिशन लाइन करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट प्लस रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, इन दोनों के फेजर एडिशन के बराबर होने वाला है। नाउ यहां पर आप कैलकुलेट कर चुके हैं रिसीविंग इन चार्जिंग करंट कितना कैलकुलेट किया बेटा, रिसीविंग इन चार्जिंग करंट फेजर फॉर्म में 52.48, एंगल इज व्हाट, दैट इज -31.78 डिग्री, प्लस रिसीविंग इन चार्जिंग करंट फेजर फॉर्म में कितना है बेटा, 18.1, एंगल इज व्हाट, दैट इज 90 डिग्री। अब आप देखेंगे मुझे यहां पर इन दोनों करंट को ऐड करना है, दोनों करंट किस फॉर्म में, फेजर फॉर्म में। अगर फेजर फॉर्म में आपको एडिशन करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन लाइन करंट, दिस इज आर कॉस थीटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, दैट इज 52, आर कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आर साइन थीटा प्लस जे आर, दैट इज आपका आर एंगल थीटा। आर एंगल थीटा क्या होता है बेटा, जब मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, तो दिस इज आर कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -31.78 डिग्री, प्लस
दिस इज जे, दिस इज आर साइन थीटा. आर की वैल्यू कितनी है बेटा 52.48, दैट इज साइन -31.78 डिग्री प्लस. नाउ अगेन दैट इज आर एंगल थीटा को जब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो दिस इज आर कॉस थीटा 18.1 कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है 90 डिग्री प्लस दिस इज जे दिस इज आर साइन थीटा विल बी देयर. अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं. नाउ दिस इज नथिंग बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज ट्रांसमिशन लाइन करंट. दिस इज नथिंग बट द पर फेज ट्रांसमिशन लाइन करंट जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 52.48. दिस इज कॉस दैट इज कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट द कॉस थीटा. तो कॉस 31.78 डिग्री. यहां पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो यहां पर बेटा माइनस आ जाएगा माइनस जे दैट इज 52.48 साइन 31.78. नाउ यहां पर आप देखेंगे कॉस 90 बेटा कितना होता है जीरो होता है. तो दिस इज नथिंग बट द जीरो. जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 18.1 में तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा जीरो. तो नाउ दिस इज नथिंग बट प्लस जीरो. और बेटा साइन 90 कितना होता है बेटा दैट इज इक्वल टू 1. तो दिस इज प्लस जे 18.1. यहां से आप ट्रांसमिशन लाइन करंट को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज ट्रांसमिशन लाइन करंट. इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 52.48 कॉस 31.78 डिग्री कैलकुलेट करने पे आता है दैट इज 44.612 माइनस दैट इज 52.48 साइन 31.78. जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 27.63. और बेटा ये जीरो है और दिस इज नथिंग बट द जे 18.1. रियल पार्ट ये हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे तो एक प्लस है दूसरा माइनस तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो अगर मैं अपने ट्रांसमिशन लाइन करंट को किस फॉर्मेट में लिखूं बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में तो रियल पार्ट बेटा आपका आएगा दैट इज 44.612 और बेटा जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज जे 9.53. यहां पर आप देखेंगे यहां पर मुझे अपने ट्रांसमिशन लाइन के करंट के मैग्नीट्यूड को रखना है क्योंकि बार नहीं लगाया. तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अपने ट्रांसमिशन लाइन करंट को मुझे पोलर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. ये आपका ट्रांसमिशन लाइन करंट रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में पोलर फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो नाउ दैट इज ट्रांसमिशन लाइन करंट दैट इज जब मैं इसको पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड आएगा 45.61 और फेज एंगल आएगा बेटा -12.05 डिग्री विल बी देयर. दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन लाइन करंट. और ये आपका जो करंट है वो कैसा बेटा पर फेज. दिस इज पर फेज करंट की वैल्यू है आपके ट्रांसमिशन लाइन करंट की वैल्यू पर फेज. तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड विल बी दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन लाइन करंट. ट्रांसमिशन लाइन करंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना आ रहा है बेटा 45.61 और एंगल कितना है बेटा -12.05 डिग्री विल बी देयर. ठीक है, जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन करंट आ जाएगा बस यहां पर रखिए और अपने ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज को आप क्या कर सकते हैं बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जो है मैं अपने ट्रांसमिशन लाइन के लॉस को बेटा क्या करने वाला हूं कैलकुलेट करने वाला हूं. तो नाउ आई कैन बी कैलकुलेट द ट्रांसमिशन लाइन लॉस विल बी देयर. ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने सारा चीजें लिख लिया होगा. मेरे पास जगह नहीं है तो बेटा मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं. ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट ट्रांसमिशन लाइन करंट. बेटा आप क्या कर चुके हैं बेटा कैलकुलेट कर चुके हैं. आपको ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस आपको मालूम है, बस वैल्यू पुट करिए और अपने ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज को बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. और जैसे ही बेटा ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज आ जाएंगे इमीडिएटली आप ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज को रख के आप अपनी ट्रांसमिशन इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पर आप देखेंगे
ये वाला मेथड यहां पर इफिशियंसी निकालने का, ट्रांसमिशन इफिशियंसी निकालने के लिए ये मेथड ज्यादा सुपीरियर था, क्योंकि आपको बेटा रिसीविंग इन पावर मालूम थी और सेंडिंग इन पावर आप कैलकुलेट कर चुके थे, तो यहां से आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगी। वहीं पर आप देखेंगे लॉसेज निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लॉस निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपको ट्रांसमिशन लाइन लॉस का रिक्वायरमेंट होगा। लॉस निकालने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन करंट निकालना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन करंट निकालने के लिए इन दोनों करंट का आपको फेजर एडिशन करना पड़ेगा। जनरली रिसीविंग इन करंट आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको रिसीविंग इन चार्जिंग करंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिसीविंग इन चार्जिंग करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज रिसीविंग इन चार्जिंग करंट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाई द एडमिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। वोल्टेज हमेशा क्या आएगा, रिसीविंग इन चार्जिंग करंट या फिर रिसीविंग इन के पास जो आपका कैपेसिटर कंसंट्रेट होता है उसके अक्रॉस हमेशा कौन सा वोल्टेज आता है, रिसीविंग इन वोल्टेज आता है, ये आपको हमेशा मालूम होता है। और वहीं पर आप जो है ट्रांसमिशन लाइन के टोटल एडमिटेंस को निकाल लेते हैं, तो दैट इज दिस रिसीविंग इन चार्जिंग करंट, रिसीविंग इन के पास जो कैपेसिटर कंसंट्रेट है उसका एडमिटेंस भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों चीजें मालूम है तो रिसीविंग इन चार्जिंग करंट आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मालूम होने के बाद आप जो है ट्रांसमिशन लाइन करंट को कैलकुलेट कर लेंगे, और ट्रांसमिशन लाइन करंट आते ही इमीडिएटली आपके ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नाउ पुट हियर That is your transmission line losses. Transmission line loss क्या होगा बेटा, this is 3 into transmission line current कितना है, transmission line current का magnitude कितना बेटा 45.61 का whole square, एंड टोटल ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस कितना था बेटा, पर फेज रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज 50 ओम विल बी देयर। और जब बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट मेगावाट में आएगा, दैट इज 0.28 मेगावाट। आप घर में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट योर टोटल ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज। एक बार ट्रांसमिशन लाइन लॉस कैलकुलेट हो गया, अब आप ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली दोनों फार्मूले से ट्रांसमिशन इफिशियंसी लगभग बराबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किए थे तो कई बार मैंने वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट किया था। जैसे ए पैरामीटर जब हमने निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी 0.985, एंगल इज 0.625, और जब मैंने यूज किया था क्वेश्चन में तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज की थी, आपका ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड 0.98 लिया था और एंगल मैंने 0.6 लिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, इसलिए आपके जो आंसर भी हैं दोनों फार्मूले से लगभग बराबर आएंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलता तो दोनों ही फार्मूले से वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आती, लेकिन यहां पर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो आई कैन बी कंसीडर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो दोनों ही फार्मूले से आपकी इफिशियंसी या फिर रिजल्ट भी लगभग आसपास ही आने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं कि ट्रांसमिशन इफिशियंसी निकालने के लिए इस फार्मूले को मैं यहां पर यूज करता हूं, ठीक है। मेरे ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज कैलकुलेट हो गए हैं, टोटल ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज कैलकुलेट हो गए हैं, आपको रिसीविंग इन या फिर आउटपुट एक्टिव पावर आपको मालूम ही है, तो आप अपनी ट्रांसमिशन इफिशियंसी को बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट आपका जो है जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है, जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, दैट इज आपका रिसीविंग इन थ्री फेज, दैट इज थ्री फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर कितनी दी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 8.5 मेगावाट डिवाइडेड बाय थ्री फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर कितनी है बेटा, 8.5 मेगावाट। ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज बेटा कितने हैं, 0.28 मेगावाट। मल्टी परसेंटेज में निकालना है तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100, मेगावाट से मेगावाट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 8.5 डिवाइडेड बाई 8.78 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपकी आने वाली है, दिस इज वैल्यू इज नथिंग बट द एक्सप्रॉक्सिमेटेड 97%। और आप देख सकते हैं दोनों ही फार्मूले से लगभग ट्रांसमिशन इफिशियंसी इक्वल आ रही है, लगभग बराबर आ रही है, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सिमेट वैल्यू यहां पर यूज की है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आ रहा है, अप्रॉक्सिमेटेड वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। तो दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को लगाना ज्यादा आसान है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आप पहले ही क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन में आपका लास्ट आर्टिकल बचा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पर चीजें मिटा देता हूं और अपना लास्ट आर्टिकल हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो आपके पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दी है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा। वैसे आपको मैं जो है स्टार्टिंग में ही बता चुका था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, और परसेंटेज में निकालना है तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट क्या हो जाएगा बेटा, 100 विल बी देयर। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा, Vs डिवाइडेड बाई A। कई बार चीजें बेटा कैलकुलेट करा चुका हूं तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा, Vs डिवाइडेड बाय A। अगर आपको सेंडिंग इन वोल्टेज मालूम है और A पैरामीटर मालूम है तो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको सेंडिंग इन वोल्टेज भी मालूम है और साथ ही साथ A पैरामीटर भी अपनी ट्रांसमिशन लाइन का मालूम है, तो यहां पर मैं नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज को बड़ी ही आसानी से क्या कर सकता हूं बेटा, कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल होगा दैट इज सिक्स कैलकुलेशन दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो नाउ हम लोग लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इसको बेटा शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा परसेंटेज ऑफ वी डॉट आर सफिक्स एन। नाउ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज फार्मूला इज दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, और बेटा परसेंटेज में निकालना है तो बाद में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नाउ दैट इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज नो लोड रिसीविंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी आर एन एल माइनस फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी आर एफ एल डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 100। आपको मालूम है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा, Vs डिवाइडेड बाई A। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज इन नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई 100। आप देखेंगे Vs एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हैविंग मैग्नीट्यूड एंड फेज, A पैरामीटर भी आप एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हैविंग मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो आप देखेंगे ये जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए माइनस दैट इज मॉड ऑफ वी आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वी आर इंटू 100। तो आप देखेंगे रेगुलेशन निकालने के लिए आपको सेंडिंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए और रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ ही साथ ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड भी आपको चाहिए। तो आप देखेंगे आपको रिसीविंग इन वोल्टेज भी मालूम है, सेंडिंग इन वोल्टेज भी मालूम है, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, आप रेगुलेशन निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, रेगुलेशन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में आप जो है सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के लाइन वोल्टेज को भी यूज कर सकते हो, या फिर सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के फेज वोल्टेज को भी रख सकते हो। अगर यहां पर मैं जो है रेगुलेशन निकालने के लिए सेंडिंग इन वोल्टेज के लाइन वोल्टेज को यूज कर रहा हूं तो रिसीविंग इन वोल्टेज का भी कौन सा वोल्टेज यूज करूंगा, लाइन वोल्टेज। अगर यहां पर मैं
सेंडिंग इन वोल्टेज के फेज वोल्टेज को यूज कर रहा हूं, तो रिसीविंग इन का भी मुझे कौन सा वोल्टेज रखना पड़ेगा, फेज वोल्टेज। तो ध्यान रखेंगे रेगुलेशन निकालने के लिए आप सेंडिंग एंड रिसीविंग इन वोल्टेज के लाइन वोल्टेज को भी यूज कर सकते हैं या फिर सेंडिंग इन और रिसीविंग वोल्टेज के फेज वोल्टेज को भी यूज कर सकते हैं। दोनों को यूज करके मैं रेगुलेशन आपको कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। तो नाउ दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट, पहले मैं यहां पर लाइन वोल्टेज को रख के रेगुलेशन निकालता हूं तो भी आंसर सेम आएगा, फेज वोल्टेज को लेके भी रेगुलेशन निकालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज सेंडिंग इन वोल्टेज, हाँ नाउ दैट इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। या फिर यहां पर मैं डायरेक्टली लिखता हूं दैट इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए माइनस, यहां पर मैंने सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का, सेंडिंग इन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड यूज किया है किसका मैग्नीट्यूड किया, दैट इज लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यूज किया, ठीक है। नाउ दैट इज रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको और अच्छे तरीके से बेटा यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, दैट इज दिस इज सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए माइनस रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो जाएगा 100। तो पहले मैं वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सेंडिंग इन और रिसीविंग इन वोल्टेज के कौन से वोल्टेज को यूज कर रहा हूं, दैट इज लाइन वोल्टेज को यूज कर रहा हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज आपने कैलकुलेट किया था, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना कैलकुलेट किया था बेटा, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जब मैंने कैलकुलेट किया था, आप देखेंगे कि आपके पास होगा सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड था वो था आपका 114.74। सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट किया था 114.74 डिवाइडेड बाई ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड कितना था 0.98। नाउ दैट इज केवी में था बेटा ये, नाउ दिस इज नथिंग बट इन केवी। आपने सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकाला था 114.74 केवी, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड था 0.98, रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था 110 केवी डिवाइडेड बाई 110 केवी इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100 विल बी देयर, ठीक है। केवी से बेटा केवी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.98 को जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से बेटा मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो बेटा जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 114.74 को 0.98 से 114.74 डिवाइडेड बाय 0.98 दिस वैल्यू बिकम्स इज इक्वल टू 117.08 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 110 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। दिस इज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स इज इक्वल टू 7.08 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, और बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज में निकालेंगे तो आएगा 6.4%, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। क्या रेगुलेशन निकालते समय हमेशा सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के लाइन वोल्टेज को यूज करना है? नहीं, आप सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के फेज वोल्टेज को भी यूज करके रेगुलेशन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। यहां पर बेटा मैं इसको भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो रेगुलेशन निकालते समय आप सेंडिंग इन और रिसीविंग इन वोल्टेज के लाइन वोल्टेज को भी यूज कर सकते हैं और फेज वोल्टेज को भी यूज कर सकते हैं, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड माइनस रिसीविंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन फेज
वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हैं, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपने निकाला था दैट इज 66.25 केवी, कितना था 66.25 केवी। ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड कितना निकाला था 0.98। उसके बाद रिसीविंग एंड फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना निकाला था 63.51 केवी डिवाइडेड बाय 63.51 केवी, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। केवी से बेटा केवी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहां पर डिवाइड करेंगे 66.25 को जब मैं 0.98 से डिवाइड करूंगा 66.25 डिवाइडेड बाई 0.98, तो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 67.60 माइनस 63.51 डिवाइडेड बाई 63.51 इंटू 100। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 63.51, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 4.09 डिवाइडेड बाई 63.51 इंटू 100, और बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी आएगी 6.4%। दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप देखेंगे दोनों ही तरीके से मैंने आपको रेगुलेशन निकाला, तो रेगुलेशन निकालने के लिए आप जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग वोल्टेज के लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी यूज कर सकते हो या फिर फेज वोल्टेज को भी यूज कर सकते हो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से हम लोगों ने आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के इस कन्वेंशनल क्वेश्चन को कम्प्लीटली क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। और आप देखेंगे इस क्वेश्चन से मैंने आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।